From this batch, और इस बैच से God is going to raise up many deliverance ministers. परमेश्वर इस बैच से बहुत सारे छुटकारा करने वाले सेवकों को खड़ा कर रहा है. God needs deliverers. परमेश्वर को जरूरत है छुटकारा दाता की. God needs deliverers. परमेश्वर को छुटकारा देने वालों की जरूरत है. How many have you heard about Reinhard Bonnke? कितनों ने Reinhard Bonnke के बारे में सुना? He's a German. वो एक जर्मन है. I like him because my wife is a German. मैं उसको इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी भी जर्मन है. Anything that comes from Germany, I like it. जो कुछ भी जर्मनी से आता है उसे मैं पसंद करता हूँ. Because I have my Miss World from Germany. क्योंकि मेरी Miss World जर्मनी से है. Sorry, sorry. माफ कीजिए, माफ कीजिए. If I say Miss World, she gets upset. सॉरी सॉरी, तब मैं मिस वर्ल्ड बोलता हूँ उसको बुरा लगता है. फर्स्ट प्रीवियसली यू सेड मिस यूनिवर्स, नाउ ओनली व्हाई यू डिग्रेड. वो बोलती है मेरे को ऐसा, तुमने तो पहले मेरे को मिस यूनिवर्स बोला था, अब तुम मेरे को नीचे क्यों कर रहे हो मिस वर्ल्ड बोल के. सो माय मिस यूनिवर्स कम्स फ्रॉम जर्मनी. तो मेरी जो मिस यूनिवर्स है वो जर्मनी से आती है. यू नो व्हाट Reinhard Bonnke said. आपको पता है Reinhard Bonnke ने क्या बोला? प्रीचर, प्रचारको, प्रीचर, प्रचारको, डोंट डिलीवर योर सर्मन. संदेश का छुटकारा मत करो, डिलीवर द पीपल. लोगों का छुटकारा करो. डोंट डिलीवर द सर्मन. और एक संदेश को बस मत दो, डिलीवर द पीपल. लोगों को छुटकारा दो. People are bound. लोग बंधे हुए हैं. If you give them a preaching, अगर उनको संदेश दोगे तुम, it doesn't help them. उनकी मदद नहीं करेगा. Please listen to me. मेरी कृपया करके सुने. The Bible says. Bible कहती है. In 2 Corinthians 4:4. और दूसरा करिंथियों 4:4 में. The gospel. Listen to me. सुसमाचार सुने मेरी बात. The gospel. सुसमाचार. Is veiled, covered, closed to those who perish. और जो लोग नाश हो रहे हैं उनके आंखों के सामने पर्दा लगा दिया गया है, ढांप दिया गया है. The gospel is the glory of Christ. और देखिए सुसमाचार जो है वो मसीह की महिमा है. The glory, the gospel can shine whole India overnight. और एक रात में सुसमाचार बहुतायत से चमक सकता है हमारे भारत में. It's the good news. वो शुभ संदेश है. For all men. हर एक मनुष्य के लिए. For all problem. हर एक समस्या के लिए. Wherever you preach the gospel. जहाँ पे भी सुसमाचार प्रचार करोगे. The glory of Christ is shining. वहाँ पे मसीह की महिमा चमकने लगेगी, प्रकाशित होगी. But. लेकिन. The God of this world. और इस संसार के सरदार ने. Listen to me. सुनिए मेरी बात. Devil's one name. और एक नाम है शैतान को, नाम है शैतान का, एक नाम है गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड. और इस संसार का सरदार, प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का राजकुमार. द बाइबल सेज, और बाइबल कहती है, द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, लाइस अंडर द स्वे ऑफ द ईविल वन. वो दुष्ट के हाथों में है. हाथों में नहीं है, अधीनता में है. अधीनता में है. यू नो दैट्स अवर वर्ड, 1 John 5. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं. हम परमेश्वर से हम जानते हैं. हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं. और सारा संसार, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है. उस दुष्ट के वश में, वश में पड़ा, वश में पड़ा है, पड़ा है. दैट मींस द होल वर्ल्ड, जो पूरा संसार है, is in the hand of the devil. और वो शैतान के हाथों में है. Devil is holding them. और शैतान उनको पकड़ के रखा है. Thank God we were delivered. धन्यवाद हमारा छुटकारा हो गया. So what they need? तो उनको जरूरत क्या है? They have to. You cannot preach the gospel to people easily. और आप आसानी से लोगों को सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते. Only preaching. सिर्फ प्रचार बस. Gospel is not only preaching. और सुसमाचार सिर्फ कोई प्रचार करना नहीं है. It has to do a battle. उसको एक युद्ध करना है. What you preach, जो तुम प्रचार करते हो, doesn't reach the people. अगर वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, before reaching the people. और लोगों तक पहुंचने के लिए, your word goes like a sword. और आपके जो वचन है तलवार के समान जाना and चाहिए. And destroys the evil one. और उस शैतान का नाश करना है, बुरे व्यक्ति का. And the gospel delivers them. और वो सुसमाचार उनको छुटकारा देता है. If you don't understand. अगर आप ये समझेंगे नहीं, you are not ministering to people. आप लोगों की सेवकाई नहीं कर रहे. You are playing around. आप लोगों से खेल रहे हैं. Somebody called you to the ministry. किसी ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया. Or somebody pay you for the ministry. और किसी ने पैसे दिए सेवकाई के लिए. Or some come because it's a prestigious duty. और इसलिए कुछ लोग आए कि बहुत गर्व की बात है, अच्छा काम है.
Are you heard your missionary challenge? क्या आपने सुना है कि चुनौतियां क्या होती है मिशनरी की? You were stored in the, you were stirred up in the soul. और आप अपने प्राण में उभर गए. You came into the ministry. और तुम सेवकाई में आ गए. But after 5 years. लेकिन 5 साल के बाद. After 10 years. 10 साल के बाद. You understand? आपने समझ में आया. It's not as easy as you thought. और जितना तुमने सोचा था उतना आसान नहीं है. I did that. मैंने ये किया है. I came to North India. मैं उत्तर भारत में आया था. In my early 20s. और मेरे 20वें सालों में. Just I finished my post graduation. और जैसे ही मैंने अपना पीजी खत्म किया. I was a man of prayer. मैं प्रार्थना का व्यक्ति था. Nights I used to fast and pray. और रात भर मैं उपवास और प्रार्थना करता था। I cannot pray without tears. और बिना आंसुओं के मैं प्रार्थना नहीं कर पाता था। Even today I cannot do और that. आज भी मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। I went to Madhya Pradesh. मैं मध्य प्रदेश में आया। I was in a Bundelkhand area. और मैं बुंदेलखंड क्षेत्र में था। I thought I'm going to shake whole North India. मुझे लगा कि मैं पूरे उत्तर भारत को हिला डालूंगा। Two more bachelors joined me. और दो और नवयुवक मेरे साथ जुड़ गए। They were from my college. और वो भी मेरे कॉलेज के थे। All of us are post graduate. और हम सब पूरे पोस्ट ग्रेजुएट थे। We stayed in a place. और हम एक जगह पे रुके थे। Eating in a Punjabi hotel, roadside hotel. और पंजाबी ढाबा जो किनारे रोड के किनारे था वहाँ पे खाना खाते थे। Sleeping with 12 feet snakes. और जहाँ पे 12 फीट के सांप होते वहाँ पे हम सोते थे। When we say that to in Tamil Nadu, और जब हमने इस बात को तमिलनाडु में कहा, everybody will cry. सब लोग रोते थे. Only sympathy. और सब लोग सिंपैथी देते थे. Only pity. और सिर्फ शोक करते थे. Missionary work is not to earn the pity of the people. और देखिए, missionary का काम इसलिए नहीं है कि हम लोगों के शोक को उसको महसूस करें. Missionary work is to break the power of the devil over the nation. और देखिए, missionary का काम इसलिए है ताकि जो प्राकृतिक सामर्थ्य शैतान की उसको हम तोड़ डालें. I didn't know ministry was a battle. मुझे मालूम नहीं था कि सेवकाई एक युद्ध है. I didn't know how to put on my armor. मुझे पता नहीं था कैसे मैं अपने हथियारों को बांध लूं. I only heard a soul burden. मैंने तो बस ये प्राणों के बचाने के लिए उस बोझ को लिया. I heard souls are perishing. मैंने यही सुना था कि आत्माएं नाश हो रही हैं. They didn't hear the gospel. उन्होंने सुसमाचार को नहीं सुना. I know the gospel. मुझे सुसमाचार मालूम था. I am young and energetic. और मैं जवान था, ऊर्जा से भरा हुआ था. Zeal is inside. और जलन अंदर थी. Tears are in me. और मेरे आंसू को आंसू थे. So I thought I can shake whole nothing. और मुझे ऐसा लगा कि मैं उत्तर भारत को हिला डालूंगा. When you are young, तब आप जवान रहते हैं. You think you can shake the whole world. आपको ऐसा लगता कि आप पूरे संसार को हिला डालेंगे. But when you are in the battleground, लेकिन जब आप युद्ध भूमि में होते हैं, you really see the seriousness. और आप असल में गंभीरता को देखते हैं. We didn't know what to do. हमको मालूम नहीं क्या करें. No language. कोई भाषा नहीं. I tell you, even if you don't know the language, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको भाषा भी नहीं मालूम है, if you know the power of the Holy Ghost. लेकिन अगर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ मालूम है, if you heal the sick, अगर आप बीमारों को चंगा करोगे, that will do 100 language what cannot do. One miracle will do that. और देखिए, जो 100 भाषाएं नहीं कर सकती, वो एक चमत्कार कर देगा. I didn't realize it. मैंने इस बात को नहीं समझा था. I thought my ministry is with people. मुझे ऐसा लगा मेरी सेवकाई लोगों के साथ है. I thought I will preach the good news with song. Hindi people will say yes. मैं सब में, they will surrender. और देखिए, मुझे ऐसा लगा सेवकाई ऐसी ही हिंदी लोगों के सामने बस मैं गीत को गाऊंगा, मैं सब अर्पण करता हूँ, ऐसा करूंगा. I never realized. मैंने समझा नहीं. It's a battle. कि एक युद्ध है. I didn't know that. मेरे को मालूम नहीं था. I didn't know. मुझे नहीं मालूम. There are levels of hierarchy of the demonic kingdom. कि शैतान के जो राज है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा स्थल है, स्तर है. चर्च इज अ किंगडम ऑफ गॉड. और कलीसिया परमेश्वर का राज्य है. गॉड इज अ किंग. परमेश्वर राजा है. देयर आर हायरार्की. और देखिए, एक बना हुआ है लंबी कतार. देयर आर लेवल्स ऑफ डेमोनिक स्पिरिट. और देखिए, दुष्ट आत्माओं के बहुत सारे स्तर होते हैं. आई डिडंट नो दैट. मुझे मालूम नहीं था. द बाइबल टॉक्स अबाउट इट. बाइबल इस बारे में बात करती है. व्हेन यू गो टू द मिनिस्ट्री, जब आप सेवकाई में जाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू द पीपल. आप लोगों के पास नहीं जा रहे हो. द बाइबल सेज. बाइबल कहती है इन एफिशियंस 6:12 और इफिसियों 6:12 में. Listen to me very carefully. ध्यान पूर्वक मेरी सुने. What I preach now, जो मैंने अभी प्रचार किया है, is not a teaching. वो कोई शिक्षा नहीं है. It's my heart cry. ये मेरा दिल का पुकारना है. This heart cry. और ये दिल रोता है. Will release mighty deliverers right here. यहाँ से महान छुटकारे दातों को यहीं से निकालेगा. If I am a man of God, अगर मैं प्रभु का जन हूँ. If I am called by God, अगर मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया हूँ. Hundreds of deliverers are going to be raised up right here. 100 से भी ज्यादा छुटकारा दाता यहाँ सही निकलेंगे.
India has seen preacher. और भारत ने प्रचारकों को देखा है. India has seen the tracks distributor. और भारत ने ट्रैक बांटने वालों को देखा है. India has seen the singer. और भारत ने गायकों को देखा है. But लेकिन India needs to see. इंडिया को देखना है. Holy Ghost filled deliverer. और आत्मा से भरा हुआ छुटकारा देने वाले का. This is the purpose of this school now. और यही उद्देश्य है उत्तर भारत के इस स्कूल का. The last day when you go, तब आखिरी दिन आप जाओगे. You will not go as you came. और जैसे आप आए थे वैसे नहीं जाओगे. The truth will set you free. वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. One thing I have understood. और जो एक चीज मैं समझ गया. Prayer doesn't set you free. और प्रार्थना आपको छुटकारा नहीं देती. If we pray, अगर हम प्रार्थना करेंगे, and you are free, और आप स्वतंत्र हो गए, when you go home, जब आप घर जाओगे, you will come under bondage. फिर आप बंधन में आ जाओगे. When you fast, जब आप उपास करोगे, you are free. आप आजाद हो जाओगे. After you feast, और तब आप खाओगे, bondage will come to you back. बंधन आपके पास आ जाएगा. Gifted people come, और देखो वरदानी लोग आते हैं. And the demons scream, और दुष्टात्मा चिल्लाती है. And you are healed, और आप चंगे हो जाते हैं. When you go back home, जब वापस तब आप घर जाते हैं. Unbelief will come, और अविश्वास आएगा. You will go back even worse than before, और पहले से भी बदतर हो जाओगे. I have understood the power of knowing the truth, और मैं इस बात को समझ गया हूँ कि सत्य को जानने की सामर्थ को. Jesus said, यीशु ने कहा, You shall know the truth, तुम सत्य को जानोगे. Truth, सत्य को. You shall know the truth, तुम सत्य को जानोगे. Then know the truth that you know, और वो सत्य जिसको तुम जानते हो. That will set you free. वह ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा. That freedom, और वो आजादी. Is a permanent freedom, वो हमेशा की आजादी है. Permanent freedom, हमेशा की आजादी है. I have seen people praying people, मैंने देखा है लोगों को रोने वाले लोगों को. Getting discouraged, हमेशा निराश हो जाते. Fasting people, और उपास करने वाले लोगों को. Getting sugar complaint, nothing else, और उनको शुगर की बीमारी होती और कुछ नहीं होता. I have seen those people. मैंने ऐसे लोगों को देखा है. But the people, लेकिन वो लोग, who love the truth, वो सत्य को जो प्यार करते हैं, the Holy Ghost truth, और पवित्र आत्मा का सत्य, the revelation truth, और वो प्रकाशन का सत्य, they walk in freedom for years and years and years, और वो स्वतंत्र और आजादी में सालों बे सालों बे सालों चलते हैं. Jesus said, यीशु ने कहा है, you will know the truth, तुम सत्य को जानोगे, and the truth will set you free, और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात को? North India, उत्तर भारत, माइटी यंग पीपल, महान जवान लोगों, मोर देन योर प्रेयर, तुम्हारी प्रार्थना से बढ़कर, यू मस्ट स्वैलो द बाइबल, आपको बाइबल को गटक लेना है. इवन इफ यू हैव हाफ एन आवर, अगर तुम्हारे पास आधा घंटा है, इफ यू आस्क मी एज़ेकिया व्हाट शुड आई डू, और आप पूछोगे एज़ेकिया मैं क्या करूं, शुड आई प्रे और रीड द बाइबल, मैं प्रार्थना करूं कि मैं बाइबल पढूं, आई ओनली हैव हाफ एन आवर, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, आई विल से रीड द बाइबल, मैं बोलूंगा बाइबल को पढ़ो. You know why? आपको मालूम है क्यों? When you open the Bible, जब आप बाइबल को खोलते हैं, God speaks to you. परमेश्वर आपसे बात करता है. When you open your mouth, जब तुम मुंह से खोलते हो, you speak to God. तुम परमेश्वर से बात करते हो. When I speak to God, जब मैं परमेश्वर से बात करता हूँ, what he gets, और वो किसको क्या मिलता है? When he speaks to me, जब वो मुझसे बात करता है, his wisdom comes, उसके बुद्धि आती है, his power comes, उसका सामर्थ आता है, his glory comes, उसकी महिमा आती है, his healing comes, उसकी चंगाई आती है. I love my Bible. मैं अपनी बाइबल से प्यार करता हूँ. If I again born in this world, अगर मैं फिर से इस धरती पे जन्म लिया, I will read the Bible 100 times more than what I read now. और अभी तक जितना मैंने पढ़ा उससे 100 गुना ज़्यादा मैं बाइबल पढ़ूंगा. People don't know the truth. लोगों को सत्य नहीं मालूम है. If you want prophecy, अगर तुम्हें भविष्यवाणी चाहिए, don't cry, रो मत. Read about prophecy, भविष्यवाणी के बारे में पढ़ते जाओ. Prophets, if you want to become a prophet, अगर आपको भविष्यद्वक्ता बनना है, what should be your first assignment, और पहला काम आपका क्या होना चाहिए? Take the Bible, बाइबल को लो. Read about the life of all the apostles, और सारे प्रेरितों के जीवन शैली के बारे में पढ़ो. The miracles of the apostles, और प्रेरितों के हर एक चमत्कारों को पढ़ो. The character of the apostles, और प्रेरितों के चरित्र के बारे में पढ़ो. Then slowly, और धीरे करके, that truth, और वो सत्य, will set you free, वो आपको स्वतंत्र करेगा. And make you a mighty apostle, और आपको एक महान प्रेरित बनाएगा. Same with the prophet, और वैसे ही भविष्यद्वक्ताओं के साथ. Every word prophet in the Bible, और हर एक शब्द जो भविष्यद्वक्ता के बाइबल में, start reading, उसको पढ़ना चालू करो. One time the Lord told me, एक बार मेरे को प्रभु ने बोला, when I was in North India, जब मैं उत्तर भारत में था, I cried to the Lord, मैंने परमेश्वर से बहुत रोया. How many days I am praying, Lord, कितने समय तक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ. You never give me this prophecy gift. आपने मुझे ये भविष्यवाणी का वरदान नहीं दिया. Everybody has it. सबके पास है.
I pray for healing. मैं चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. You never gave me this gift. आपने मुझे कभी नहीं दिया. I was cycling and praying in Chhattisgarh area. Not Chhattisgarh, Bundelkhand area. बुंदेलखंड क्षेत्र में मैं साइकिल चलाते हुए प्रभु से ये बातें कर रहा था. And the Holy Spirit spoke to me. और पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला. A minister. एक सेवक. A man who wants to bless India. एक व्यक्ति जो भारत को आशीषित करना चाहता है. The nation. राष्ट्रों को. Must know how to hear the voice of God. उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे वो परमेश्वर की आवाज को सुने. What is ministry? सेवकाई क्या है? Hearing God. परमेश्वर को सुनना. Finished. खत्म. What is apostolic ministry? और प्रेरिताई की सेवकाई क्या? Hearing God. प्रभु की सुनना. Doing it. और करना उसको. What is prophetic ministry? भविष्यसूचक सेवकाई क्या? Hearing God. परमेश्वर की सुनना. Speak it out. और लोगों को बोल देना. What is evangelistic ministry? सुसमाचार की सेवकाई क्या है? Hearing God. प्रभु की आवाज सुनना. And go to the place where he asked you to go. जहां पर उसने जाने को बोला वहां चले जाना. हालाबरा हाथा. अब्राहम मामा रियंता. Are you here listening to me? क्या आप मेरी सुन रहे हैं? The Bible says. बाइबल कहती है. He sent his word. उसने अपने शब्द को भेज करके. He sent his word. उसने अपने शब्द को भेज करके. And the Hebrew Bible meaning is. और इब्रानी भाषा में जो मतलब. He sent his word. वो अपने वचन को भेज करके. And it heals them. और वो वचन चंगा करता है. Not he heals you. वो चंगा नहीं करता है. He sends the word. वो वचन को भेजता है. The word carries the healing power. वो वचन चंगाई की सामर्थ को लेकर के चलता है. The word breaks the bondage of the devil. और वो वचन शैतान के बंधनों को तोड़ देता है. The word has the life in it. और वो वचन के अंदर वो जीवन है. It's not just letter. और ये सिर्फ कोई शब्द नहीं है. Letter kills. और शब्द मारता है. Without the Holy Spirit. और बिना पवित्र आत्मा के. Without the anointing. ना अभिषेक के. If you teach 8 point, अगर आप 8 बिंदु पढ़ाएंगे, it kills people. वो लोगों को मारेगा. But the spirit, लेकिन आत्मा, the author of the Bible, और पर बाइबल का रचयिता, takes the word, वो वचन को लेता है, and makes it a sword, वो उसको एक तलवार बनाता and है, uses it, और उसको इस्तेमाल करता है, it changes life, वो जीवन को बदलता है, transforms life, वो लोगों के जीवन को परिवर्तित करता है. I can give you so many examples. मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ. Why people come to Baraka Ministries? लोग बराका सेवक में क्यों आते हैं? Not because we give super points. इसलिए नहीं कि हम super points देते हैं. If you go to my seminars, अगर आप हमारी सेमिनार में आएंगे, 100 times better preachers than us they come. और देखिए हमसे ज़्यादा 100 गुना अच्छे प्रचारक वहाँ पर आते हैं. They sit like anybody else. और जैसे आप लोग में से कोई बैठा है वैसा वो बैठे रहते हैं. Not we give too many points. इसलिए नहीं कि हम बहुत सारा बिंदु देते हैं. But what we speak, लेकिन जो हम बोलते हैं, the letter, वो शब्द, becomes alive, वो जीवित बन जाता है. When the Holy Spirit breathes into और तब पवित्र आत्मा उसमें श्वास भर देता है. Such word changes the lives of people. और ऐसे वचन लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हैं. Yes or no? हाँ या ना? That's why when I read Bible, और तभी के लिए जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, I pray in tongues, मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, I read the Bible, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, I pray in tongues, मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, I read the Bible, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, I pray in tongues, मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ, Sometimes hours and hours, कभी कभार घंटों भर घंटे. So when you open your mouth, जब आप अपने मुंह को खोलेंगे, you don't go by 1 point, 2 point, 3 point, आप 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु में नहीं जाएंगे, you go by the flow of the Holy Ghost, आप पवित्र आत्मा के बहाव में जाएंगे. That word changes life. और वो वचन जीवन को बदलता है. Hallelujah, Hallelujah. Ministry means. सेवकाई का मतलब. Battle, beloved. और युद्ध है मेरे प्रियों. It's not a playground. और ये कोई खेलने का मैदान नहीं है. It's not a performance. और ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है. A good singer sings. कि एक अच्छा गायक गा रहा है. Then you give a big lecture. और आप फिर एक अच्छा लेक्चर दे रहे हैं. All clap. सब ताली बजा रहे हैं. And whistle. और सब सीटी मार रहे हैं. It's not that. वो ये नहीं है. It's not that. ये नहीं है. Ministry. सेवकाई. It's a spiritual warfare. वो आत्मिक युद्ध है. This a warfare. वो आत्मिक युद्ध है. Ministry. सेवकाई. Is not talking to people. वो लोगों से बात करना नहीं. The Bible says. बाइबल कहती है. Our wrestling. हमारा जो युद्ध है. Our wrestling. हमारी जो कुश्ती है. Is not with flesh and blood. वो मांस और लहू से नहीं है. Hallelujah. Hallelujah. Meaning, इसका मतलब, our fighting, हमारा लड़ाई, is not with human being, वो मनुष्यों से नहीं है. If there is a problem in the family, अगर वहाँ पे परिवार में समस्या है, wife will say husband is the reason, और पत्नी बोलेगी पति कारण है, husband will say wife is the reason, और पति बोलेगा पत्नी कारण है, both of them are fools, और दोनों मूर्ख हैं. The Bible says, बाइबल कहती है, we don't fight with flesh and blood, और हम मांस और लहू से नहीं लड़ते हैं. There is a demon. एक
दुष्ट आत्मा है वर्किंग अगेंस्ट द फैमिली जो परिवार के विरोध में काम कर रहा है. दे आर असाइंड बाय सैतान और शैतान ने उन्हें नियुक्त किया है. सैतान हैज टोल्ड द डीमंस और देखिए शैतान ने दुष्ट आत्मा को बोला है cast division between the husband and wife इन दोनों के बीच में पति पत्नी के बीच में विभाजन को लेकर के आया cast problem और समस्या को बीच में लेकर के आया and the devil can use a husband और शैतान पति का इस्तेमाल करेगा the devil can use a wife और शैतान पत्नी का इस्तेमाल करेगा both the people are used by the enemy और दोनों जन शत्रु के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे then it ends up with heart breaking और देखिए तब उनका अंत होगा वो दोनों का हृदय टूटा हुआ होगा. if your ministry doesn't grow अगर आपकी सेवकाई नहीं बढ़ रही है you are not the reason आप कारण नहीं है. Your people are not the reason. आपके लोग कारण नहीं है. The people who left your church, they are not the reason. और जो लोगों ने आपकी कलीसिया को छोड़ दिया है वो भी कारण नहीं है. There is a demon. एक दुष्ट आत्मा है. Assigned by Satan. और शैतान ने जिसको नियुक्त किया है. Never allow the church to grow more than 200. और 200 से ज्यादा कलीसिया को बढ़ने नहीं दे रहा है. When it comes to 200. जब वो 200 के बीच में आ जा रहा है. Breaks the church. वो कलीसिया टूट जा रही है. When it goes to 300. जब आप 300 में जाते हैं. Breaks the church. वो कलीसिया टूट रही है. They will hate church. और कलीसिया से नफरत करता है शैतान. शैतान मसीह से नफरत करता है. सेवकाई से नफरत करता है शैतान. इफ यू आर फॉलिंग एंड फॉलिंग एंड फॉलिंग अगर आप बार 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 गिर रहे हैं. अगेन एंड अगेन फॉलिंग बार 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 गिर रहे हैं. इनटू सिन पाप में. यू डोंट नीड टू कंडम योरसेल्फ अपने आप पर दोष लगाओ मत. It's not your lack of self-control. और ये आपका संयम नहीं है. I have seen people. मैंने लोगों को देखा है. Who fast 40 days. जो 40 दिन उपास करते हैं. And after 40 days. और 40 दिन के बाद. They fall into adultery. वो व्यभिचार में गिर जाते हैं. It's not beloved. Please understand. और मेरे प्रियो कृपया करके इस बात को समझें. Our wrestling. हमारा युद्ध. Our wrestling. हमारा लड़ाई. Is not with human being. वो मनुष्यों से नहीं है. Only when you know it, जब आप इस बात को जानेंगे, you will become a God's deliverer for the people. आप परमेश्वर के छुटकारे देने वाले बन जाएंगे लोगों के. You will become a God's deliverer for the nations. आप राष्ट्रों के लिए परमेश्वर के छुटकारा देने वाले बन जाएंगे. His own disciple, उसके खुद के चेले. Jesus' beloved disciple, यीशु के प्रिय चेले. Very chief apostle, और बड़े प्रेरित लोग. Jesus appreciated him. यीशु मसीह ने उनको शाबाशी दिया. Jesus, he said, everybody leaves me. और सब लोग मेरे को छोड़ देंगे. Will you also leave me? क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? The apostle said. प्रेरितों ने कहा. No, sir. No, sir. Where will we go? कहाँ हम जाएंगे? You have living word. तेरे पास जीवन वचन है. Jesus. Asked him, what do you say about me? यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? Peter said. पतरस ने कहा. Peter is a cashew nut. और देखिए पतरस जो है वो cashew nut है. Cashew nut काजू है. काजू. काजू. काजू है. काजू है. He will always give quick answer. वो तुरंत हमेशा उत्तर देता है. Even if it's foolish or right, he will say quick. अगर सही है या मूर्खतापूर्वक है वो तुरंत देगा उत्तर को. He said. उसने कहा. Jesus, यीशु, you are the son of the living God. तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है. Jesus was so happy. यीशु मसीह बहुत खुश हो गए. He patted him. और उसको शाबाशी किया. He said very good. उसने बोला बहुत अच्छी बात है. शाबाश. 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 This flesh and blood has not revealed this. और मांस और लहू ने तेरे को ये बात प्रकाशित नहीं की. My father, मेरा पिता, in heaven, जो स्वर्ग में है, reveal this secret, और इस भेद को तुझे प्रकट किया है. Can I tell you good news? क्या मैं आपको अच्छी खबर बताऊं? How many of you believe Jesus is the Son of the Living God? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित पुत्र है, जीवित परमेश्वर का? Can I tell you good news? क्या मैं आपको अच्छी खबर बताऊं? It's just by the Father you got the direct revelation. और ये सिर्फ पिता के द्वारा आपको सीधे प्रकाशन मिला है. Without the revelation you cannot believe this. और बिना प्रकाशन के आप इस पे विश्वास नहीं कर पाते. In our country, हमारे देश में, intellectual people don't believe it. और दिमागदारी लोग इस बात को विश्वास नहीं करते. Scientists don't believe it. वैज्ञानिक समझ नहीं पाते. Political people don't believe it. राजनेता विश्वास नहीं करते. But you have no problem to believe it. लेकिन आपके पास कोई समस्या नहीं है कि आप विश्वास न करें. You had the greatest revelation from heaven. इसका मतलब आपके पास बड़ा प्रकाशन है स्वर्ग से. Nobody need to tell me ऐसे कि I never had a revelation. This is the greatest revelation you have. और ये बोलने की जरूरत नहीं है ऐसे क्या मेरे पास तो कोई प्रकाशन नहीं है. लेकिन यही सबसे बड़ा प्रकाशन है.
So he appreciated that. उसने उसको शाबाशी दिया. Peter was so excited. और पतरस बहुत उत्साहित हो गया. Jesus said. और यीशु ने कहा. Father revealed me. ओ पिता ने मुझे प्रकाशित किया. He told everybody. उसने सबको बता दिया. Yeah, I had the revelation. ए मेरे पास प्रकाशन है. It's not my idea. ये मेरा दिमाग नहीं है. Father gave me the revelation. पिता ने मुझे प्रकाशन दिया. Wow, I am a big shot. ओ मेरे बड़ा सुपरस्टार हूँ. Then immediately Jesus started talking to them. और फिर यीशु मसीह उनसे बात करने लगा. The Son of God will go to the cross. और परमेश्वर का पुत्र उस क्रूस पर जाएगा. They will beat him. वो लोग उसको मारेंगे. Spit on him. उसके ऊपर थूकेंगे. They will crucify him. उसको क्रूस पर चढ़ा देंगे. He started telling his revelation. और वो अपने प्रकाशन को फिर बताने लगा. Peter was so close to Jesus. और पतरस बहुत करीब था यीशु मसीह के. Took, you know, rebold. और धैर्यता के साथ. He was with the disciples. वो चेलों के साथ था. He said, Jesus. यीशु. Come here. मेरे पास आ. Took him. और लेकर के गया. Because now he was so proud. I had the revelation. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घमंड में आ गया था कि मेरे पास तो प्रकाशन है. He said, Jesus. उसने बोला यीशु. I want to tell you this. मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ. So far whatever you said is right. जो तुम अभी तक बोलते रहे वो सही था. The beating. लेकिन जो मार खाना. The spitting. जो थूकना. Suffering. वो संघर्ष करना. I don't like it. वो मुझे पसंद नहीं आया. Don't say it. मत बोलो उसको. Immediately if I was Jesus. अगर मैं यीशु होता. I would have said, Peter. मैं बोलता पतरस. How much you love me? कितना तू मुझसे प्यार करता है? You love me so. तू मुझसे कितना प्यार करता है? I understand. मैं समझ सकता हूँ. Jesus never had soul tie. यीशु मसीह की प्राण बंधन नहीं था. All his connections. उसका सारा जुड़ाव. Are from spirit to spirit. वो था आत्मा से आत्मा से. Spirit. Spirit. आत्मा से आत्मा तक. Not emotional connection. वो कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था. Not intellectual connection. ना दिमागी जुड़ाव था. Many problem comes because you are connected in the soul. और बहुत सारी समस्या इसलिए आती है कि आप प्राण में बंधे हुए हैं. You are not connected in the spirit. क्योंकि आप आत्मा में बंधे हुए नहीं हैं. When you are connected in the spirit. जब आप आत्मा में बंधे हुए हैं. Even when the storm comes. और जब आंधी भी आए. Wave come, या लहरें भी आएं, your relationship will go tight and tight. और आपका जो रिश्ता है वो और ज़्यादा tight पे tight होता चला जाएगा. Even husband and wife. और पति और पत्नी भी. Relationship is a threefold life. और देखिए रिश्ता जो है वो तीन जुड़ाव का रिश्ता है. Husband spirit is born again spirit. पति का आत्मा नया जन्म पाया आत्मा. Wife spirit is born again spirit. और पत्नी का आत्मा भी नया जन्म पाया आत्मा. Husband is a spirit. पति भी आत्मा है. Wife is a spirit. पत्नी भी आत्मा है. The spirits must join together. ये आत्मा का जुड़ना बहुत जरूरी है. Then उसके बाद mind, मन, emotion, भावना, will power, वो काम करेगा. Soul, प्राण. Then फिर उसके बाद body, शरीर काम करेगा. What you see, जो आप देखते हो. What you hear, जो आप सुनते हो. What you touch, जो आप छूते हो. शरीर. If the three are not connected, अगर ये तीन चीज जुड़ाव में नहीं रहेगी. Devil can break your relationship anytime. और कभी भी शैतान आपके रिश्ते को कभी भी तोड़ देगा. How many of you understood? कितने लोग इस चीज को समझ रहे हैं? हाँ भाई. Did you understand? क्या आपको समझ में आ रहा है? Me and my wife. मैं और मेरी पत्नी. It's more a spirit connection. हम ज्यादातर आत्मा में जुड़े हुए हैं. I have a calling. मेरे पास बुलाहट है. She has a calling. उसके पास भी बुलाहट है. I am called by God. मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया. For me, number one priority. मेरी सबसे पहली प्राथमिकता. For my calling. वो मेरी बुलाहट के लिए जीना. For my wife, number one priority. मेरी पत्नी के लिए पहली प्राथमिकता. Is to live for her calling. कि वो अपनी बुलाहट के लिए जिए. Our spirits are in the same plane. और हमारा जो आत्मा है वो एक स्तर में एक सही जगह पे है. The spirit. और वो आत्मा. Is the relationship engine. और वो एक रिश्ते का इंजन है. Have you seen a railway train? आपने ट्रेन रेलगाड़ी को देखा है? ट्रेन रेलगाड़ी को देखा. सो मेनी कंपार्टमेंट्स. और बहुत सारे डब्बे रहते हैं. सोल प्राण. बॉडी शरीर. चिल्ड्रन बच्चे. मनी पैसा. फ्रेंड्स दोस्त. You can have a grandchildren. आपके पर पोते होंगे. मदर इन लॉ फादर इन लॉ मम्मी डैडी माँ बाप. They are not the engine. वो इंजन नहीं है. Husband and wife spirit is the engine. पति और पत्नी का आत्मा इंजन है. When the spirit is one. और जब आत्मा एक है. That engine can pull the whole family. और वो इंजन पूरे परिवार को लेकर के चलेगा. That comes.
वो तब आता है when you are united to seek God. जब आप एक हो जाते हैं ताकि आप परमेश्वर की खोज में रहें. Are you happy? क्या आप खुश हैं इस बात से? Are you happy? क्या आप खुश हैं इस बात से? So that's why I say. तभी के लिए मैं ऐसा कहता हूँ. You are not flesh and blood. आप मांस और लहू नहीं हैं. Whatever is born of the flesh is flesh. जो शरीर के द्वारा उत्पन्न हुआ है वो शरीर है. Whatever is born of the spirit is spirit. जो आत्मा के द्वारा जन्मा है वो आत्मा है. Everybody say, I am a spirit person. सब बोलेंगे मैं एक आत्मिक जन हूँ. I am a spirit person. मैं एक आत्मिक जन हूँ. My God is a spirit. मेरा परमेश्वर आत्मिक है. He is a father of spirit. वो आत्माओं का पिता है. My savior Jesus. मेरा छुटकारा दाता यीशु. He is a spirit. वो आत्मा है. बोलिए बोलिए. Holy Spirit. पवित्र आत्मा. He is a spirit. वो आत्मा है. I am a spirit. मैं आत्मा हूँ. My wife is a spirit. मेरी पत्नी आत्मा है. We have a body. हमारे पास शरीर है. That's a compartment. वो एक डब्बा है. Hallelujah. Hallelujah. When the spirit unites. और तब आत्मा जुड़ जाता है. Your family has problem will come, but the engine will pull. और देखे आपके परिवार में समस्या तो आएगी लेकिन आपका जो इंजन है वो आगे बढ़ता When चला the spirits जाएगा. Are united, जब आत्मा एकजुट हो जाता है. No fool will go to the court for divorce. और कोई भी मूर्ख जाएगा नहीं न्यायालय में डाइवोर्स के लिए तलाक के लिए. The spirit cannot be divorced. और वो आत्मा का कभी तलाक नहीं होता है. Thank you for that smiling face. धन्यवाद उस मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए. Did you get this truth? क्या आपको इस सत्य समझ में आ रहा है? So Jesus. तो यीशु. He said, Jesus. उसने कहा यीशु. No, 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 no. नहीं, 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 नहीं. Nobody should beat you. कोई तेरे को मारे नहीं. If they beat you. अगर वो तेरे को मारेंगे. I cannot live. मैं नहीं जी पाऊंगा. If you cry with tears. अगर तुम आंसुओं से रोगे. I will cry with blood. और मैं तो लहू से रोऊंगा. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Jesus found out. यीशु ने पता लगा लिया. First time what he said. पहले जो इसने बोला. Is from the spirit. वो तो आत्मा से था. Now what he says. अभी जो ये बोल रहा है. Is also from the spirit. ये भी आत्मा से है. The first spirit. पहली आत्मा. Came from heaven. वो स्वर्ग से आई. Now he says no 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 cross. अभी अभी बोल रहा है नहीं 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 क्रूस नहीं. That comes from the demon spirit. वो दुष्ट आत्मा से आ रहा है. Do you know that? आपको समझ में आया ये? Either devil can speak to you. क्या शैतान आपसे बोल सकता है? Or God can speak to you. या परमेश्वर आपसे बोल सकते हैं? Do you know that? क्या आपको ये मालूम है? Say yes. बोलो हाँ. You can have your revelation today. आज आपके पास प्रकाशन हो सकता है. The next day the devil can tell you something. और कल के दिन शैतान आपको कुछ बोल सकता है. That's why you have to walk with the truth of the word of God. तभी के लिए आपको वचन के सत्य में चलना है. Only praying. एक प्रार्थना करना. You can be deceived. आप धोखे में आ सकते But हैं. But when you give your life to the truth, जब आप सत्य को अपना जीवन देते हैं, the truth is the lamp to your feet. और देखिए सत्य तुम्हारे लिए पावदान है. It will show you light. और वो आपको ज्योति दिखाएगा. Jesus turned. यीशु मसीह मुड़ गया. When Peter said, जब पतरस ने बोला, No Jesus. नहीं प्रभु यीशु मसीह. No cross. नहीं क्रूस no नहीं. No beating. No कोई मारा जाना नहीं. No suffering. कोई संघर्ष नहीं. I don't like suffering gospel. मुझे पसंद नहीं कि कोई संघर्ष वाला सुसमाचार प्रचार करे. When you say करोड़पति हो जाएंगे अच्छा लगता है. जब तुम बोलते हो कि तुम करोड़पति बन जाओगे तो बहुत अच्छा लगता है. लेकिन beating teaching. लेकिन मार खाने वाली शिक्षा अच्छा नहीं लगता है. अच्छा नहीं लगता है. Jesus looked at him. यीशु मसीह ने उसको देखा. I like that. मेरे को पसंद है बहुत. Dear friend. प्रिय मित्र. Chief apostle. और बड़ा प्रेरित. He looked at him. उसने उसकी ओर देखा. Satan. शैतान. Get behind me. मेरे पीछे हो जा. Your mind is not full of things of God, तेरा मन परमेश्वर की चीजों से भरा नहीं है. But full of things of men. और पूरे मनुष्य की चीजों से भरा हुआ है. Say it with me. मेरे साथ बोलेंगे. When my mind. जब मेरा मन. Say it please. When my mind. बोलिए जब मेरा मन. Always thinks. हमेशा सोचता है. Full of things of men. और मनुष्य की सारी चीजों को. So बोलिए बोलिए मनुष्य की सारे चीजों को. सारी चीजों को. मेरा मन हमेशा सोचा है. जब मेरा मन मनुष्य की सारी चीजों को सोचता है इसका मतलब शैतान है. हमेशा मेरा बेटा मेरा बत मेरा बत मेरा
मेरा पति वो किया क्या, वो किया क्या, वो किया क्या, वो किया क्या, खाना क्या, बढ़ना क्या, पहनना क्या, क्या हो रहा है बैंक में, क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, क्या हो रहा है, हमेशा ये दुनिया के बारे में और मनुष्य लोग के बारे में, आपका परिवार के बारे में आप हमेशा सोचेंगे तो जरूर शैतान पहले अंदर आ गया है। लेकिन हालेलुया शैतान अंदर, हालेलुया माटी साटी मरलाटा। See, Jesus knew the spiritual battle. और देखिए यीशु मसीह को मालूम था आत्मिक युद्ध। He didn't fight with flesh and blood. उसने मांस और लहू से युद्ध नहीं किया। He saw a demon. उसने दुष्टात्मा को देखा। When the demon entered, और तब दुष्टात्मा अंदर आ गया। The first thing, जो पहली चीज, first sign, पहला चिन्ह, your mind, आपका मन, your thoughts, आपके विचार, all your thoughts, आपके सारे विचार, will be only about the things of men. और वो पूरे मनुष्यों के चीजों के बारे में होंगे। But when you are free, लेकिन जब आप आजाद हैं, from demonic influence, और शैतान के प्रभाव से, दुष्टात्मा के प्रभाव से, your mind will think about heaven, आपका मन स्वर्ग के बारे में सोचेगा, and our calling, हमारी बुलाहट, ministry, मेरी सेवकाई, North India, उत्तर भारत, church growth, और कलीसिया की बढ़ोतरी, it thinks about the things of God, और वो परमेश्वर की चीजों के बारे में सोचता। Did you understand that? क्या आपको समझ में आ रहा है? Everybody say it with me. सब लोग मेरे साथ बोलिए। Our wrestling, हमारा युद्ध, is not, वो नहीं है, with flesh and blood, मांस और लहू से, but, लेकिन, with principalities, प्रधानताओं से, listen, principalities, प्रधानताओं से, higher grade, बड़े उच्च वाले, from the principalities, और उन प्रधानताओं से, next grade, उसके बाद जो grade है, powers, और सामर्थों से, then again grade, उसके नीचे वाला जो ग्रेड है, rulers, और राज्य करने वाले, of this dark age, अंधकार में राज्य करने वाले से, do you know that, आपको मालूम है, do you know that, आपको मालूम है, there are some principalities, कुछ प्रधानताएं हैं, they are allotted only for our national leaders, और वो सिर्फ हमारे राष्ट्रीय नेता जो अगुए हैं उनके लिए नियुक्त किए गए हैं। Are you listening? आपको समझ में आ रहा है? They are some principalities, और कुछ प्रधानताएं हैं, they aim at only the Christian leaders. वो सिर्फ मसीही अगुओं के ऊपर ही निशाना लगाते हैं। They don't care about believers. वो विश्वासियों के बारे में ध्यान नहीं देते। Always focus on the leader. और सिर्फ अगुए के ऊपर ध्यान को केंद्र करते हैं। That's the trick of the devil. और वो शैतान की चाल है। The devil knows. शैतान जानता है। If you cut the shepherd, अगर वो चरवाहे को मार देगा, मार देगा, मार देगा, what will happen? फिर क्या होगा? The sheep will scatter. और जो भेड़े हैं वो भटक जाएंगी। So the devil, तो शैतान, allot some principalities, और कुछ प्रधानताओं को युक्त करता है। Don't touch the believer, और विश्वासियों को मत छुओ। Believer, touch the pastor, और विश्वासी पासवान को छुए। Touch the leader, और अगुओं को छुओ। If the leader falls into adultery, अगर एक अगुआ व्यभिचार में गिर जाएगा, understand me please, कृपया करके मेरी समझे। If a leader falls into adultery, अगर एक अगुआ व्यभिचार में गिर जाएगा, the spirit of adultery, और व्यभिचार का आत्मा, will come to the leader, वो अगुए के पास आएगी, and go to the ministry, और वो सेवकाई में आ जाएगी, and go to the church, और वो कलीसिया में चले जाएगी, because your leader, क्योंकि एक अगुआ, is a door, वो एक दरवाजा है। The Bible says, Bible कहती है, I am the door, मैं दरवाजा हूँ, I am a true shepherd, मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, if you are a pastor, अगर आप एक पासबान हैं, the devil will keep some demons over you, और आपके ऊपर शैतान कोई दुष्टात्मा लगा के रखेगा, if what is your weak area, आपका कमजोर क्षेत्र क्या है, if you are money minded, अगर आप मन के पैसे के लालच में हैं, the demon of lama, covetousness will come, और देखिए लालच का दुष्टात्मा आ जाएगा, and through you, और आपके द्वारा, it will the whole church, और वो कलीसिया में घुस जाएगा। Everybody wants to be leader, और सबको तो अगुआ बनना है। They don't know the responsibility, उनको जिम्मेदारी नहीं मालूम है। If you are a husband, अगर आप एक पति हैं, you are the door, आप द्वार हैं, the devil will come through you, और शैतान आपके द्वारा आ जाएगा। Parents are the door, और माता पिता द्वार हैं। My mother, father, और मेरे माता पिता, they are not Pentecostal, वो Pentecostal नहीं, they are Lutheran, वो Lutheran थे। But my mommy, लेकिन मेरी माँ, saved through me, और मेरे द्वारा बचाई गई, but लेकिन, she gave her life to prayer, उसने अपना जीवन प्रार्थना में दे दिया। Every day she used to pray, हर दिन वो प्रार्थना करती थी। She was a teacher, वो एक शिक्षिका थी। Weekly one day she will fast, हफ्ते में एक दिन वो उपवास करती थी। She will call all our
9 children we are. और हम लोग 9 बच्चे थे, हम सबको बुलाती थी. At the end of prayer she will lay hands on us. और प्रार्थना के तुरंत बाद वो हम सबों के ऊपर हाथ रखती थी. Lord, let all my children. वो बोलती थी, प्रभु मेरे सारे बच्चे. Die as a martyr for you. आपके लिए शहीद होने पाए. That's why we are walking with God. और तभी के लिए हम लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं. That's why all the children are serving God. तभी के लिए हमारे घर के पूरे बच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. It's a battle. और ये एक युद्ध है. The devil wants to enter into your children. और शैतान आपके बच्चों में घुसना चाहता है. He cannot directly go to them. वो डायरेक्टली वहाँ पे सीधे नहीं जा सकता. Because you are a watchman. क्योंकि आप तो चौकीदार हैं. You are a door. और आप एक द्वार हैं. When you open the door, जब आप द्वार को खोलते हैं, these demons, इस दुष्ट आत्माओं के लिए, the demon will enter, और वो दुष्ट आत्मा घुसेगा, and you may escape, और हो सकता आप बच निकले, your generation is spoiled, लेकिन आपकी जो पीढ़ी है वो उसका मुख्य बिंदु. I don't know how to go, मुझे पता नहीं मैं कैसे चलूं. If the Lord leads me, अगर प्रभु मेरी अगुवाई करेगा, all the remaining days, और सारे दिनों में मैं, I will teach you, मैं आपको सिखाऊंगा, how to become a deliverer, कि कैसे छुटकारा दाता बनना है, how to take authority in the warfare, कैसे युद्ध में अधिकार को लेना है. But first you understand. लेकिन पहले एक बात को समझे. Please understand. कृपया करके समझे. You are wrestling. आप युद्ध कर रहे हैं. Not with human being. और मनुष्यों से नहीं. Never blame anybody for your plight. अपने चीजों के लिए दूसरे मनुष्यों के ऊपर आरोप ना लगाएं. Don't stop biting one another. एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद कर दें. Father, पिता, where did I open the door? कहां मैंने द्वार को खोला? For the enemy, शत्रु के लिए. When you take that step, जब आप वो कदम को लेते हैं, you are going into victory. आप विजय में चलते हैं. When you find it, जब आप पता लगा लेते हैं. I think my wife told me this morning. और हो सकता मेरी पत्नी ने आज सुबह मेरे को बोली. She saw a vision. उन्हें एक दर्शन को देखा. Two people, husband and wife, Benita, fighting. Husband and wife fighting. और पति और पत्नी लड़ाई कर रहे थे. And my wife saw a vision. और मेरी पत्नी ने दर्शन को देखा. And there was a demon behind them. और उनके पीछे एक छोटा सा दुष्ट आत्मा था. He was laughing. और वो दुष्ट आत्मा उनको लड़ते हुए देख के हंस रहा था. Suddenly. और अचानक. One person saw the devil. उस दोनों व्यक्ति में से एक ने दुष्ट आत्मा को देख लिया. Oh. हमारा झगड़ा. हमारे झगड़े में. शैतान से आ रहा है. वो शैतान से आ रहा है. Immediately both turned. और दोनों जन जुड़ मिल. Devil, get बोले शैतान बाहर निकल. They loud. और वो दोनों एक दूसरे से प्यार की. Very easy. बहुत आसान है. It's a spiritual battle. वो आत्मिक युद्ध है. Listen to me. मेरी बात को सुने. I want to say much, much, much. मुझे बहुत, बहुत, बहुत बोलना है. But I want to flow. लेकिन मुझे बहना है. The Old Testament. पुराने नियम में. The whole Old Testament. और पूरे पुराने नियम में. It was always a battle with human being. वो हमेशा मनुष्यों से एक युद्ध होता था. Yes. हाँ या ना? They will kill the human being. वो मनुष्यों को मार डालते थे. Kill the Amalekites. और Amalekites को मार देते थे. Kill the Philistines. और फिलिस्तीनियों को मार देते थे. Kill the Moabites. और मोआबाई को लोग मको मार Kill देते थे. Kill Uriah. यूरियो को मार देते थे. Kill Absalom. अब्सलोम को मार दिए. In the whole Old Testament. और पूरे पुराने नियम में. The spiritual warfare. और आत्मिक युद्ध. Was not revealed. वो प्रकाशित नहीं हुआ. They were fighting with flesh and blood. वो मांस और लहू से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे. If I steal, अगर मैं चोरी करूंगा, God said, प्रभु ने कहा, cut your hand, और हाथ को काट दे. If you cut your hand, अगर आप हाथ को काट दोगे, I can take from this, और मैं इससे ले सकता हूँ. Cut that hand, और वो हाथ को भी काट दे. If I cut that hand, अगर मैं वो हाथ को काट दूंगा, I can take it like this, और मैं ऐसे करके ले सकता हूँ. In the Old Testament, पुराने नियम में, God was dealing, परमेश्वर उनसे डील कर रहा था, with the old creation, पुराने मनुष्य तत्व से, पुरानी सृष्टि से. कितने लोग समझ गया? कितने लोग को ये समझ में आ रहा है? हासा बहासा बहासा बहारा प्रेइंग टंग्स अन्य भाषा में प्रार्थना करें. दिस हैज टू गो डीपर इन. ये आपके अंदर गहराई से जाना चाहिए. इन द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में. एवरीबॉडी से इन द ओल्ड टेस्टामेंट. सब बोले पुराने नियम में. मैन वाज फ्लेश एंड ब्लड. मनुष्य मांस और लहू था. बिकॉज, क्योंकि. ही वाज नॉट बोर्न अगेन. वो नया जन्म नहीं पाया. He was not born again. वो नया जन्म नहीं पाया. Jesus came. यीशु आया. Hallelujah. Hallelujah.
ही ओनली सेड, उसी ने कहा, एक्सेप्ट यू बॉर्न अगेन, और तुम्हारे जब तक कि तुम नया जन्म ना पालो, इफ यू बॉर्न अगेन, अगर तुम एक्सेप्ट यू आर बॉर्न अगेन, जब तक कि तुम नया जन्म ना पालो, यू विल नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकोगे. किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, इट्स अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो आत्मिक संसार है. टू सी द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और आत्मिक संसार को देखने के लिए यू बिकम अ स्पिरिट, आप आत्मा बन गए. To see what is happening in the spiritual world, और वो देखने के लिए कि आत्मिक संसार में हो क्या रहा है, your spirit must be born again. आपके आत्मा को नया जन्म लेना है. That is why, तभी के लिए, the whole Old Testament, पूरा पुराना नियम, you cannot see the ministry of deliverance. आप छुटकारे की सेवकाई को नहीं देख पाते हैं. Yes, Gideon. हाँ, गिदोन आया. Samson. सिमसोन आया. Deborah. डेबोरा आई. They didn't deliver people from demon spirit. उन्होंने दुष्ट आत्मा से लोगों को छुटकारा नहीं दिया. They delivered people from human countries. और उन्होंने मनुष्यों के देश से उनको छुटकारा दिया. When you go and preach. जब आप जाके प्रचार करते हो, I told you already, मैंने पहले से ही आपको बता दिया, you are not just preaching to a man, आप एक मनुष्य को बस प्रचार नहीं कर रहे हैं. The Bible says, the Bible कहती है, 2 Corinthians 4:4, दूसरा कुरिन्थियों 4:4, the gospel, सुसमाचार, is veiled to those who perish, और जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए ढाका गया है. Who is the God of this world? इस संसार का प्रभु कौन है? बोलिए, बताइए. Jesus said, यीशु ने कहा, the prince of this world, इस संसार का राजकुमार ने, is coming, वो आ रहा है. He has nothing in me, उसका मेरे से कुछ भी नहीं है. I'll tell you short, मैं छोटे में बताता हूँ. God made first Adam, परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया, and gave him the whole world, उसने उसको पूरा संसार दे दिया. Yes, हाँ. In other words, और दूसरे शब्दों में, God said to Adam, परमेश्वर ने आदम को बोला, the whole world, ये पूरा संसार, you, तू, dominate, उस पर अधिकार रख, subdue, वश में कर ले, multiply, और गुणात्मक होने दे. In other words, दूसरे शब्दों में, God made Adam, परमेश्वर ने आदम को बनाया, as God of this world, इस संसार का परमेश्वर होने के लिए. If Adam had not fallen into sin, अगर आदम पाप में नहीं गिरता, the whole generation, और सारी पीढ़ियां, पूरी पीढ़ियां, would have ruled the whole world, और पूरे देश पर राज्य करती, संसार पर राज्य करती, rule the demon power, और दुष्ट आत्मा की सामर्थ पर राज्य करती, rule the sickness, और बीमारी पर राज्य करती, rule the poverty, और गरीबी पर राज्य करती. But that Satan came, लेकिन शैतान आ गया. Are you listening the कहानी? क्या आप कहानी सुन रहे हैं? कहानी सुन रहे हैं? आप क्या कहानी सुन रहे हैं? So Satan came, तो शैतान आ गया. Because you know that, और आपको तो ये मालूम है, Satan wanted to be the God of the world, और शैतान इस संसार का परमेश्वर बनना चाहता था. So he wanted to go higher, 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 और उसको तो ऊंचा 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 जाना था. He said, I will sit on the throne of God, और वो बोला कि परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बैठूंगा. And God looked at him, और परमेश्वर ने उसको देखा. You want to go higher? अच्छा, ऊंचा जाना है. He kicked him, go lower. उसने उसको लात मारा, नीचे जा. You want to sit on the throne? तुझे सिंहासन पे बैठना है. You lick the dust, और तू धूल को चाट. He threw him out, और उसको बाहर भगा दिया. It's okay, ये ठीक था. Devil was very angry, और शैतान बहुत गुस्से में आ गया. I want to go higher, मुझे तो ऊंचाई पर जाना था. This God threw me out, और ये परमेश्वर ने मुझे लात मार के भगा दिया. And he was a charismatic leader, और वो एक charismatic अगुआ था. He was a worship leader, वो एक आराधक था. His name was Lucifer, उसका नाम लूसीफर था. The whole body, उसका पूरा शरीर, gold, silver, emerald, everything, और सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर लगे हुए थे. The music was in the body, और उसके शरीर में संगीत था. If he turns this जब side, ऐसे मुड़ता था, music will come, और संगीत सुनाई देता था, extremely beautiful, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर. So he said, I will ascend, और उसने बोला कि मैं ऊपर जाऊँगा. I will be like God, और मैं परमेश्वर के समान रहूंगा. I will sit on the throne, मैं उस सिंहासन पर बैठूंगा. Suddenly he noticed, और उसने एक बात को देखा. One fine morning, और एक सुबह के समय, यहोवा God, यहोवा परमेश्वर, was stooping down, और वो नीचे झुक गए थे. Like a small baby, एक बच्चे के समान, collecting the mud, और मिट्टी को इकट्ठा कर रहे थे. Satan became curious, और शैतान बहुत एकदम जागरूक हो गया. क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? इतना महान प्रभु, इतना महान परमेश्वर, bending, मिट्टी
collecting the mitti? और मिट्टी को क्यों इकट्ठा कर रहा है? वह क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? He came behind the shoulder. और वो कंधे के पीछे आया. Watch him. और देखने लगा. And he is collecting the mud. और परमेश्वर मिट्टी को इकट्ठा कर रहे थे. And he made a body. और उसने एक शरीर को बनाया परमेश्वर. And God bent down. और परमेश्वर नीचे झुक गया. And he made a nose and eye. और उसने आँख और नाक को बनाया. In that nose. और उस नाक में. God stooped. और परमेश्वर नीचे झुका. Put his mouth. अपने मुंह को रखा. God's life, परमेश्वर का जीवन, God's life, परमेश्वर का जीवन, goes into the mitti body, और उस मट्टी के अंदर पूरा डाल दिया, and it gives life to the whole body, और उसके अंदर पूरा जीवन बढ़ने लगा, man stood up, और मनुष्य खड़ा हो गया, exactly looks like God, एकदम परमेश्वर के जैसा दिख रहा था, eyes like God, परमेश्वर की जैसी आंखें, face like God, चेहरा परमेश्वर के जैसा, shining like God, और प्रकाशित हो रहा था परमेश्वर के जैसा, God already said, परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया, he had a committee meeting, उसकी कमेटी की मीटिंग थी, Father, Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा. Executive meeting. और उनके executive meeting थी. The three people were talking. वो तीनों जन बात कर रहे थे. Come on. चलो. Let us make man. अब हम मनुष्य को बनाएं. In our image. हमारी समानता में. In our likeness. हमारी स्वरूपता में. Our image. हमारी समानता में. Outside. बाहर से. Our likeness. हमारी स्वरूपता. Inside. अंदर से. Inside he is like me. अंदर उसकी स्वरूपता, आउटसाइड ही मस्ट बी लाइक मी, और बाहर से हमारी समानता, एंड गॉड्स लाइफ ब्रीथ, और परमेश्वर के जीवन को वहां पे फूंक दिया, मैन स्टूड अप, और मनुष्य खड़ा हो गया, देन आफ्टर सम टाइम द वुमन केम, और उसके बाद को एक औरत आई वहां पे, दे वर नेकेड, वो लोग नंगे थे, बट डोंट नो नीड ऑफ क्लोथ, और उनके कपड़े की जरूरत नहीं थी, द ग्लोरी ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर की महिमा वाज कवरिंग देम लाइक अ क्लोथ, उनको एक कपड़े के समान ढापे हुए थे, शाइनिंग एवरीवेयर, हर जगह चमक रही थी, The glory was shining. और वो महिमा चमक रही थी. They don't know what is sin. उनको मालूम नहीं पाप क्या है. And Satan was trembling. और देखो शैतान घबरा रहा था. क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? I wanted to become like God. मुझे तो परमेश्वर के जैसा बनना था. He kicked me. उसने मुझे लात मार दिया. And he took from the mud. और उसने मिट्टी से लेकर के. मिट्टी से लेकर के. मिट्टी के अंदर. और श्वास. मिट्टी के अंदर अपनी श्वास फूंक दिया. क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? देखो 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 दोनों दिस टू ये दोनों जन लुक लाइक यहोवा यहोवा के समान दिख रहे हैं. He's watching. और वो देख रहा है. Became very curious. और बहुत जागरूक हो गया है. And God said. और प्रभु ने कहा. Man. मनुष्य. Bless them. उनको आशीर्वाद दिया. These two didn't ask God to bless. और ये दोनों ने प्रभु को ये नहीं बोला कि परमेश्वर हमें आशीर्वाद दो. God initiated the blessing. परमेश्वर ने खुद से ही आशीर्वाद को दिया. Listen to me. सुनिए मेरी बात को. You don't need to pray for blessing. आपको आशीषों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है. Your father's life is in you. आपके पिता का जीवन आपके अंदर है. He automatically blesses you. उसने अपने आप ही आपको आशीर्वाद देता है. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Then. उसके बाद. God said, प्रभु ने कहा इनक्रीज फूतो फलो वन टू दोनों जन ऑलरेडी वन टू थ्री और पहले से एक दो फादर सन एंड द होली गॉड पिता पुत्र पवित्र आत्मा थ्री इन वन और तीन थ्री एक परमेश्वर टू इन वन और ये दो एक हो गए एंड द थ्री प्लस टू टू इन वन थ्री वन टू इन वन टू और देखिए क्या हो रहा है ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ये दोनों जन मिलके हो गए एक और ये दोनों जन मिलके हो गए दो और ये क्या हो रहा है एक हो गए Now God says increase. और प्रभु बोलता है बढ़ते जाओ. बाप रे. Then God said. फिर प्रभु ने कहा. Multiply. और बढ़ोतरी में बढ़ते चले जाओ. Fill the earth. और पृथ्वी को भर दो. One God I could not look at. और एक परमेश्वर को मैं देख नहीं पा रहा था. डर लगता है. और शैतान बोल रहा था डर लगता है. एक God, दो God, तीन God, Adam God, Eve God. And they increase and they multiply. They fill the whole earth. The whole earth is full of God. और शैतान ने बोला पिता एक परमेश्वर है पुत्र एक परमेश्वर है पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है आदम भी एक परमेश्वर है हवा भी एक परमेश्वर है और ये फूते फलेंगे ये बढ़ते जाएंगे और पूरी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पूरी पृथ्वी पर सारे परमेश्वर हो जाएंगे ये क्या हो रहा है Now, अब The devil's anger, शैतान का गुस्सा, multiplied 1,000 times, हजार गुना बढ़ गया,
First only against God. सबसे पहले तो परमेश्वर के विरोध में था. He looks like God. ये परमेश्वर के. I hate him. मैं से नफरत करता हूँ. She also looks like. ये भी दिखती है परमेश्वर. I hate her. मैं से नफरत करता हूँ. She is going to give birth. और ये जन्म को देगी. छोटा छोटा God. छोटे छोटे परमेश्वर. And the छोटा छोटा God will multiply. और वो छोटे छोटे परमेश्वर बढ़ते चले जाएंगे. Whole year. और पूरी पृथ्वी. God like people. और परमेश्वर जैसे लोग. Whole world. और पूरा संसार में. God breathed people. और परमेश्वर की श्वास फूकी गई लोग. मैं कहां जाऊंगा कहां हाइडूंगा, मैं कहां छुपूंगा, ये सारे दुनिया में मैं कहां छुपूंगा, कहां छुपूंगा, मैं कहां छुपूंगा, सारी दुनिया में कहां छुपूंगा, कहां दौड़ूंगा सारी दुनिया में कहां दौड़ूंगा. Do you understand? क्या आपको समझ में आया? They will hate human being. और देखिए शैतान मनुष्यों से नफरत करता है. Did you understand? क्या आपको समझ में आया? I am telling you a story. मैं तो आपको कहानी बता रहा हूँ. I know North Indians like story. मुझे मालूम है उत्तर भारत क्या है, अच्छा है कहानी. कहानी अच्छा है उत्तर भारतीयों. Listen. सुनिए. You must understand. आपको समझना है. Why he hates human being? वो मनुष्यों से क्यों नफरत करता है? You must understand. आपको समझना है. That too. और वो भी. When God's life is in you, अगर परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, you are the number one target for the devil. आप सबसे पहला हमला है शैतान के लिए. If you look like God, अगर आप तुम प्रभु के जैसे दिख रहे हो, devil will have malaria, typhoid, dysentery, diarrhea, all disease. और शैतान को मलेरिया, डिसेंट्री, हर तरह की बीमारी हो जाएगी. That's why the Bible says. तभी के लिए बाइबल कहती है. Your adversary. और तुम्हारा विरोधी शैतान. Your adversary. तुम्हारा विरोधी शैतान. The devil. वो शैतान. Your adversary. तुम्हारा विरोधी शैतान. Everybody say my adversary. बोलो मेरा विरोधी. My adversary. मेरा विरोधी. Is not human being. वो मनुष्य नहीं है. My adversary. मेरा विरोधी. Is the devil. वो शैतान है. He. Everybody say he. बोलो वो. Comes. आता है. To steal. चोरी करने के लिए. He comes. वो आता है. To kill. घात करने के लिए. He comes. वो आता है. To destroy. नाश करने के लिए. Why? क्यों? When he sees you. जब वो आपको देखता है. He sees Jesus Christ. वो यीशु मसीह को देखता है. When he sees you. वो जब आपको देखता है. He sees Jehovah. वो यहोवा को देखता है. You have God's image. आपकी परमेश्वर की समान. You have God's likeness. आपकी परमेश्वर की स्वरूपता है. You have God's life. आपके अंदर प्रभु का जीवन है. The devil fears you. और शैतान आपसे डरता है. That's why you can see the entire Bible. और आप पूरी बाइबल में देख सकते हैं. Only he corrupted the human being. उसने सिर्फ मनुष्यों को भ्रष्ट किया. But God picked up one race. लेकिन प्रभु ने एक पीढ़ी, एक प्रजाति को इकट्ठा किया. Israel race. इजराइलियों की रेस को. And the devil wanted to kill them. और शैतान उनको भी मारना चाहता था. Even now. और अभी भी. In the whole world. पूरे विश्व में. You know what the nations say? आपको मालूम है ये राष्ट्र क्या बोलते हैं? We will remove the Israel from the map of the world. और वो लोग बोलते हैं, राष्ट्र के लोग बोलते हैं, हम इजराइलियों के नक्शे को ही उस नक्शे से निकाल देंगे. Because Messiah was born in that city. क्योंकि उस जगह पे मसीहा पैदा हुआ था. That's another story. वो दूसरी कहानी है. Everybody look at me and say. सब मुझे देख करके बोलें. Our wrestling. हमारा युद्ध. Is not. वो नहीं है. With flesh and blood. मांस और लहू से नहीं है. Our fighting. हमारे लड़ाई. Our focus. हमारा ध्यान. Is not human being. वो मनुष्य नहीं है. There are principalities. कुछ प्रधानताएं हैं. There are power. कुछ सामर्थ है. Listen, rulers of this age. और देखिए इस जगत
के अधिकारी राज्य करने वाले. You see King Ahasuerus. और अब Ahasuerus राजा को देखे हैं. He was a drunkard. और वो पियक्कर था. But he is a very good fellow. लेकिन अच्छा व्यक्ति था. When Haman went. जब हमान वहाँ पे आया. Do you know all these stories? ये आपको कहानी मालूम है. Haman went. हमान तब वहाँ गया. He is the enemy of Christian Israelites. और वो इसराइलियों का शत्रु था. He became a chief minister. और वो मुख्यमंत्री बना. And he went to king. और वो राजा के पास गया. राजा. 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 He said what? उसने बोला क्या? He is a very rich man. और वो बहुत अमीर था. I give you money, राजा. मैं तुम्हें पैसा देता हूँ राजा. Pass this law. और ये कानून को तुम लेकर के आ जाओ. When Haman was in power. जब हमान अधिकार में था. The king changed the law. और राजा ने उस नियम कानून को बदल दिया. Then, उसके बाद Mordecai prayed. मुर्दगाई ने प्रार्थना की. Esther prayed. Esther ने प्रार्थना की. Her friends prayed. उसके दोस्तों ने प्रार्थना की. All the Israelites prayed. सारे इज़राइलियों ने प्रार्थना की. 3 days fasted. 3 दिन उपास किए. The spirit of Haman. और हमान के जो आत्मा था. Fell down. नीचे गिर गया. The Holy Ghost. और पवित्र आत्मा. Took the राजा. और पूरे राजा को ले लिया. And the king said. और राजा ने बोला. Queen Esther. एक रानी Esther. What do you want? तू क्या चाहती है? Whatever you ask. क्या तू भी मांगेगी? I will give you. जो तू मांगेगी दे दूंगा. राजा. राजा. Hang this fellow Haman. और ये हमान को फांसी पे लटका दे. Yes ma'am. हाँ ma'am. He was hanged. और वो फांसी पे लटका दिया गया. राजा. Hang all his children. उसके सारे बच्चों को फांसी पे yes, लटका दे. Yes ma'am. हाँ मेरी माँ. All cases. उसने लटका दिया. राजा. Pass your rule. और एक न्याय को लेकर क्या? What should I do? क्या करूं मैं? All God's people in the 127 countries. और 127 देशों में जितने भी प्रभु के लोग हैं. Must kill the enemies. वो सब शत्रु को मार देने पाएं. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes yes ma'am. हाँ ma'am. हाँ ma'am. हाँ हाँ ma'am. हाँ ma'am. हाँ ma'am. हाँ हाँ ma'am. Amen, 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 amen. When Haman was in power, जब हमान राज्य कर रहा था अधिकार में था. The ruler of this dark age. और इस अंधकार का जो अधिकारी था. Controlled the king. वो राजा को नियंत्रण कर रहा था. Whatever Haman said. जो हमान ने कहा. The king said. और राजा ने कहा. Yes sir, yes sir, yes yes sir. हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ सर. When the church rose up. अब जब कलीसिया खड़ी हो गई. Yes ma'am, yes ma'am, yes yes ma'am. Yes ma'am, yes ma'am, yes yes ma'am. You understand? आपको समझ में आया? National leaders. और देखिए देश के अधिकारी जो poor people. बेचारे लोग हैं. When you rise up. जब आप खड़े होंगे. When you pray. जब आप प्रार्थना करोगे. When you do the spiritual battle. जब आप आत्मिक युद्ध करोगे. The power of Haman. और हमान का जो सामर्थ्य अधिकार shall है. Be broken. वो टूट जाएगा. It's not in God's hand. ये परमेश्वर के हाथ में नहीं है. It's in the church hand. ये कलीसिया के हाथ में है. It's in the believers hand. ये विश्वासियों के हाथ में है. Listen to me. सुने मेरी बात. Everybody को. Say, we wrestle. बोलो हम युद्ध करते बोलिए, हैं. We wrestle. बोलो हम युद्ध करते हैं. With principalities. प्रधानताओं से. With powers. वो अधिकारियों से. With the rulers of this dark age. और इस अंधकार पे राज करने वालों से. And wicked host in the heavenly. और जो स्वर्गिक क्षेत्रों में बहुत ही बेकार आत्मा है. Wickedness. और देखो बेकार एकदम. Corruption. भ्रष्टता. Murder. हत्या. Adultery. व्यभिचार. Homosexual. समलैंगिकता. Lesbianism. महिला समलैंगिकता. All pornography. सारी अश्लील पिक्चरें. That's not from man. ये मनुष्यों से नहीं है. Dirty spirit. और गंदी आत्माओं से. Wicked spirit. और बुरी आत्माओं से. Control your internet. वो आपके इंटरनेट पर नियंत्रण करती हैं. When you open the internet. जब आप इंटरनेट को खोलते हैं. When you see a naked picture. जब आप नग्न पिक्चर को देखते हैं. Not only नेकेड पिक्चर कम्स. सिर्फ एक नंगी पिक्चर नहीं आती है. डर्टी स्पिरिट. और गंदी आत्मा. एंटर्स इनटू योर ब्रेन. वो आपके दिमाग में घुस जाती है. ब्लॉक्स योर कॉलिंग. आपकी बुलाहट को बंद कर देती है. डिस्ट्रॉयस योर अनॉइंटेड. आपकी अभिषेक को नाश कर देती है. यू हैव टू सी. आपको देखना है. व्हाट इज स्पिरिचुअल बैटल बिलीवर. आत्मिक युद्ध क्या है प्रियो. Are you listening me? आपको समझ में आ. When you go out for prayer ministry. जब आप सेवकाई के लिए बाहर जाएं. Please understand. कृपया करके समझे. I am in the ministry. मैं सेवकाई में हूँ. Nearly 40 years. 40 सालों से भी ज्यादा. I have understood the secret. मैंने इस भेद को रहस्य को जान लिया. I am not preaching to people. मैं लोगों को प्रचार नहीं कर रहा हूँ. First.
पहले I bind the strong man. मैं उस बलवंत व्यक्ति को बांध देता हूँ. Then उसके बाद I deliver people from his clutches. और उसके चंगुल से मैं लोगों को छुटकारा कर देता हूँ. His eyes are blind. और उनकी आंखें बंदी हुई है, अंधी. The Bible says 2 Corinthians 4:4. We already read it. और दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में बाइबल कहती है. The God of this world. और इस संसार के राज प्रभु ने. Has blinded their minds. उनके मन की आंखों को बंद कर दिया है. Everybody says संसारिक ये दुनिया का खुदावन. और ये दुनिया के खुदा ने. सब लोग बोलिए. सब बोलिए इस दुनिया के खुदा ने. The God of this world. और इस संसार के परमेश्वर ने. The God of this state. और इस राज्य के परमेश्वर ने. Is blinding. उसने अंधा कर दिया the है. The minds of our people. हमारे लोगों की मन को. Imagine. कल्पना करें. If he is a blind man. अगर ये एक अंधा व्यक्ति है. I am an evangelist. अगर मैं सुसमाचार प्रचारक हूँ. I go to him. मैं इसके पास जाता हूँ. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. ब्लाइंड ये अंधा है. I go to him. मैं इसके पास जा रहा हूँ. हेलो साहब, बाइबल पढ़ लीजिए, मार्क गॉस्पल पढ़ लीजिए, ट्रैक्स है, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए. यू टेक इट. से क्या पढूं? क्या पढूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे दिखाई नहीं देता. दिखाई नहीं देता. पढ़ लीजिए. मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूं. I am very happy. 1000 people I gave the tracks. Hallelujah. मैं बहुत खुश हूं, 1000 लोगों को मैंने tracks बांट दिया है. I write a report to my headquarters. और मैंने अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट लिख दिया है. Today 2000 people. आज 2000 लोगों को मैंने. I gave a gospel track. मैंने gospel track दे दिया, सुसमाचार track. When I was in Bundelkhand area. जब मैं बुंदेलखंड एरिया में था. I was three men. हम लोग तीन लड़के. People. हम तीन जवान लड़के थे. They told me. उन्होंने मुझे बोला. The whole area. और पूरे क्षेत्र में. Every home crusade. और हर एक जगह crusade जो कर रहे हैं. They gave every house gospels. हमने हर घर पे सुसमाचार को दिया. They told us. उसने हमें बोला. The gospels they gave. और जो सुसमाचार उन्होंने दिया. The tracts they gave. जो tract पर्चे जो उन्होंने बांटे. If you collect it. अगर उनको आप एकत्र करोगे. 100 lorries full. और 100 से भी ज्यादा ट्रक भर के लॉरी होंगे. But when we went there. लेकिन जब हम वहां गए. Not even one Christian. और एक भी मसीह नहीं था. There was one name Christian. और एक नामधारी मसीह था. Already he backslid. और पहले से वो वापस पीछे गिर चुका था. I am not attacking tracts distribution. मैं पर्चे सुसमाचार के पर्चे बांटने पर हमला नहीं कर the रहा हूं. The Bible says sow the seed. और बाइबल कहती है बीज को बो. Do you know? You don't know which will grow, which will not grow. तुमको नहीं मालूम कौन सा बीज फल लाएगा, बन जाएगा, कौन सा बीज नहीं लाएगा. I don't say don't give the gospel. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुसमाचार पत्र ना दो. I pray and try to give gospel to the auto man or a taxi man. और देखो मैंने प्रार्थना किया, मैंने कोशिश किया कि सुसमाचार के पर्चे में टैक्सी वाले को या ऑटो वाले को जरूर दूं. But that's not enough. ये काफी नहीं है. It's a battle. ये एक युद्ध है. It's not with human being. और ये मनुष्यों से नहीं है. It's not the whole week you run. और ये ऐसा नहीं कि हर हफ्ते आप दौड़ते चले जाएं. Saturday night you sit. और शनिवार की रात को आप बैठे. And collect 7 points. From dictionary commentary. और डिक्शनरी और कमेंट्री से 7 बिंदु को इकट्ठा करें. Sunday you deliver the sermon. और इतवार के दिन आप संदेश को दें अपने लोगों को. It's not delivering sermon. और ये नहीं है कि कोई संदेश देना. It's delivering people. वो लोगों को छुड़ाना है. People are bound. लोग बंधे हुए हैं. Spirit of adultery. और व्यभिचार का आत्मा. Spirit of rebellion. और बलवा करने वाला आत्मा. You need to grow. आपको बढ़ना है. In the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में. To break the power. ताकि सामर्थ को तोड़ दें. When you preach the gospel. जब आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे. You preach with power. आप सामर्थ से प्रचार करेंगे. You preach with power. तुम सामर्थ से प्रचार करोगे. That needs. इस वो जरूरत है. Growing. उसको लगता है बढ़ने के लिए. Are you happy? क्या आप इस बात से खुश हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Hallelujah. Hallelujah. Please understand. कृपया करके समझें. Christian life. मसीह जीवन. Is not a happy club. और वे कोई अच्छा खुशी होने वाला क्लब नहीं है. It's a spiritual battle. ये आत्मिक युद्ध है. But good news. लेकिन अच्छी खबर है. It's not my battle. ये मेरा युद्ध नहीं है. It's his battle. ये उसका युद्ध है. युद्ध मेरा नहीं, प्रभु तेरा है. It's his battle. ये परमेश्वर का युद्ध है, उसका युद्ध है. So I don't need to fight with my skill and talent. और मुझे अपने दान वरदानों से, तोड़ों से युद्ध नहीं करना है. You know what the Bible says? आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? Put on.
और पहन लो, पहन लो, पहन लो, put on, पहन लो, the whole, listen, the whole armor of God, परमेश्वर के सारे हथियारों को, not the armor of me, मेरे हथियारों को नहीं, सब लोग बोलिए, सब बोलेंगे, परमेश्वर की हथियार, परमेश्वर के हथियारों को पहन लो. That you have to understand. और ये आपको समझना है. If you want to be a deliverer, अगर आपको एक छुटकारा दाता बनना है, you must know every piece of God's armor. और आपको हर एक हथियार को समझना पड़ेगा परमेश्वर के. You know what the Bible says? आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? Put on the whole armor. परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो, पहन लो. Of God. परमेश्वर के. सब लोग बोलिए. सब बोलेंगे. ये मेरा हथियार नहीं है. ये मेरा हथियार नहीं है. परमेश्वर का हथियार. ये परमेश्वर का हथियार है. मुझे वो दिया है. वो उसने मुझे दिया है. When you put on his righteousness. जब आप उसकी धार्मिकता को पहन लेते हैं. Not your righteousness. आपकी धार्मिकता नहीं. When you put the belt of the truth. और आप तब सत्य का कमर बंद बांध लेते हैं. Take the shield of his faith. तब आप उसके विश्वास की ढाल को लेते हैं. Put on the shoes of his gospel. तब आप उसके सुसमाचार के जूते पहन लेते हैं. Take the word of God, rhema word. और आप परमेश्वर के रेमा वचन को ले लेते हैं. And through the spirit. और आत्मा के द्वारा. If you speak the word. और आप वचन को बोलते हैं. All demons will look at you. और सारी दुष्ट आत्माएं आपको देखेंगी. They will not look at you. Ezekiel Francis. वो Ezekiel Francis को नहीं देखेंगे. Why? Where? Who is he? अरे ये कौन है? कहाँ है? From head to foot. और सर से लेके नीचे तक. He is God. ये तो परमेश्वर है. His armor, इसका हथियार है. His armor, ये तो इसका हथियार है. His righteousness, इसकी धार्मिकता. His faith, इसका विश्वास. His rhema, इसका रेमा वचन. His word, इसका वचन. That's a victory, ये विजय है. That's victory, ये विजय है. Everybody lift your hand and say, Holy Spirit, सब बोलेंगे पवित्र आत्मा. Holy Spirit, पवित्र आत्मा. Open my eyes, मेरी आंखों को खोल. बोलिए open my eyes, सब बोलेंगे पवित्र आत्मा. Open my eyes, मेरी आंखों को खोलिए. My ministry, मेरी सेवकाई. It's a battle, वो एक युद्ध है. My battle, मेरा युद्ध. It's your battle, वो आपका युद्ध है. Hallelujah, hallelujah. Your battle, आपका युद्ध. It's my battle, वो मेरा युद्ध है. My armor, मेरा हथियार. It's your armor, वो आपके हथियार हैं. Even praying, और प्रार्थना करना भी. The Bible says in that passage, और उस जगह पर उस वचन पे बाइबल कहती है. Praying. प्रार्थना करते रहिए. All kinds of prayer. सर प्रकार की प्रार्थना से प्रार्थना करते रहिए. In the spirit. आत्मा में. You know, in all my life. आपको मालूम है मेरे पूरे जीवन भर में. Before I come to preach. और प्रचार करने आने से पहले. I preach the whole day. मैं पूरे दिन प्रचार करता हूँ. Not preaching. सिर्फ प्रचार नहीं करता. The whole day. पूरा दिन. I pray in the spirit. मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ. हलवा हसमा वरे बोहंदा. रंबा छाबरा लिम्रो खंड्रंदा. I speak in tongues. मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ. 1 hour. एक घंटा. 2 hour. दो घंटा. 3 hour. तीन घंटा. This is ministry. ये सेवकाई है. You are going to be a deliverer. आप एक छुटकारा दाता बनेंगे. God is preparing you. प्रभु आपको तैयार कर रहा है. Get ready. तैयार हो जाइए. Get ready. तैयार हो जाइए. Get ready. तैयार हो जाइए. You are praying in the spirit. हम आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं. When I pray in the spirit. जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ. The spirit in me. जो आत्मा मेरे अंदर है. Knows what you need. वो जानती है आपको जरूरत क्या है. Many times when I pray in the spirit. और जब बहुत बार मैं प्रार्थना करता हूँ आत्मा में. I see the crowd. मैं लोगों को देखता हूँ, भीड़ को देखता हूँ. And tears roll. और मेरे आंखों से आंसू बहने लगते हैं. I cry the whole time. और पूरे दिन भर मैं रोता रहता हूँ. I don't know why. मुझे नहीं मालूम क्यों. I am not in the flesh. मैं शरीर में नहीं हूँ. It's not a fighting with the flesh. और ये शरीर से युद्ध करना नहीं है. It's the Holy Ghost fighting. और ये पवित्र आत्मा का युद्ध है. I don't know what to pray. मुझे नहीं मालूम क्या प्रार्थना करें. If one of you have one question. अगर आपके पास एक जन के पास एक प्रश्न है. Unfortunately you have 100 questions. मतलब कि देखा जाए आपके पास 100 से भी ज्यादा प्रश्न है. How many lakhs of questions I can answer? और देखो मुझे इतने लाखों प्रश्नों कैसे उत्तर दूंगा. I am a wise man. मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूँ. It's not my armor. ये मेरा हथियार नहीं है. It's not my prayer. ये मेरी प्रार्थना नहीं है. I allow the Holy Ghost. पवित्र
आत्मा को अनुमति देता हूँ, वो मेरे मुंह को ले लेता है, he uses my vocal cords, वो मेरे गले का इस्तेमाल करता है, I pray in tongues, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, sometimes I cry, कभी कभार मैं रोता हूँ, many times I cry, बहुत बार मैं रोता हूँ, as I am praying, जैसे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, suddenly, अपने आप, one word comes to me, अचानक से मेरे पास एक then वचन आता है, then I pray in tongues, फिर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, suddenly another word comes, अचानक से एक और वचन आता है, I am not preparing with much preparation, और मैं तैयारी बहुत तैयारी से नहीं करता हूँ, I pray in the spirit, मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, the Holy Spirit shows me something, और पवित्र आत्मा मुझे कुछ ना कुछ दिखाता है, then I say Lord, और फिर मैं बोलता हूँ प्रभु प्रभु, ना तो बल से और ना शक्ति से, तेरे आत्मा के द्वारा होगा, ना तो बल से, एवरीबॉडी, और ना शक्ति से, तेरे आत्मा के द्वारा होगा, everybody say it, सब लोग बोलेंगे, how many of you really take Christian life serious, कितने लोग सच्ची मुच्ची में मसीह जीवन को गंभीरता से ले रहे हैं, how many of you really say enough is Ezekiel, कितने लोग सच में बोल सकते हैं काफी हुआ Ezekiel, काफी हुआ, I am in bondage, मैं बंधन में हूँ, devil is attacking me, शैतान मेरे पर हमला कर रहा है, that's your lowest level of Christian life, और ये बहुत निचला स्तर है मसीह जीवन का, I am not under attack. मैं हमले के अधीन नहीं हूँ. I am attacking the devil's kingdom. मैं शैतान के राज्य पर हमला कर रहा हूँ. That's your calling. ये आपकी बुलाहट है. That's your calling. ये आपकी बुलाहट है. That's your calling. ये आपकी बुलाहट है. Don't tell me devil सताता है. ये मत बोले कि शैतान मुझे सता रहा है. You सताता है. आप सताओ शैतान को. That's your calling. ये आपकी बुलाहट है. That's your calling. ये आपकी बुलाहट है. ककतर लखा. प्रोमा की थी रीमा सुनता. How long you are going to say? कब तक आप ऐसा बोलते रहोगे? Devil is eating me. और शैतान मेरे को खा रहा है, devil is hitting me, शैतान मुझे मार रहा है, devil is pinching me, शैतान मुझे चिमटी काट रहा है, devil is attacking me, शैतान मुझ पर हमला कर रहा है, it's not a Christian life, ए ये मसीह जीवन नहीं है, it's not a Christian life, ये मसीह जीवन नहीं है, wherever Jesus went, जहाँ जहाँ यीशु गया, wherever Jesus went, जहाँ यीशु गया, you know how the devil demon scream, आपको मालूम है दुष्ट आत्माएं कैसे चिल्लाई, you know how they scream, आपको मालूम है कैसे चिल्लाई, oh! Ah! The demon screamed. दुष्ट आत्मा चिल्लाई. What do I have with you? और तेरा हमसे क्या मेल है? Did you come to destroy me? क्या तू हमें नाश करने आया है? Listen. सुनिए. You are a devil destroyer. आप शैतान के नाश करने वाले हैं. That's your calling. ये आपकी बुलाहट है. That's your calling. ये आपकी बुलाहट है. That's your anointing. ये आपका अभिषेक है. That's your anointing. ये आपका अभिषेक है. The demon scream. और दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी. Jesus. यीशु. Why did you come? क्यों आया यहाँ पे? Did you come to torment me? क्या तू मुझे सताने आया है? That's a Christian life. यही तो मसीह जीवन है. Get ready. तैयार हो जाइए. I want to challenge you. मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ. It's time. ये समय है. You stop running. आप दौड़ना बंद करें. You start winning. आप जीतना चालू करें. हट्टा सच्चा ब्राह्मण. It's time. ये समय है. Quit defeating. और रोक दे हार को मानना. स्टार्ट विनिंग और जीतना चालू कर दे. How many of you really want it? कितने लोग इस सच में चाहते हैं? How many of you want it? आप में से कितने लोग चाहते हैं? How many of you say Christ lives in your body as the hope of glory? कितने लोग ये बोलते हैं मसीह मेरे शरीर में रहता है महिमा की आशा बन करके? सोच लीजिए. सोचे यीशु मसीह मोरे मुझ में है. यीशु मसीह मुझ में है. वो जीता है. वो मेरे अंदर जीता है. शैतान सताता है. और शैतान सता रहा है. Devil is attacking my family life, brother Ezekiel. Brother Ezekiel, भाई Ezekiel, मेरे पारिवारिक जीवन को शैतान हमला कर रहा है. Can I tell you? क्या मैं आपको बताऊं? As a family, एक परिवार के समान. You go and attack him back. जाकर के फिर से उसको हमला करो. Why not? You know why he attacks you? आपको मालूम है वो आप पर हमला क्यों कर रहा है? He knows. वो जानता है. If he doesn't attack you, अगर वो आप पर हमला नहीं करेगा, you will attack him. आप उस पर हमला करोगे. So he says. तो वो कह रहा है.
बेटर यू गो फर्स्ट. अरे तुम पहले चले जाओ. यू थिंक, आप सोचते हैं The devil will attack you if he is not afraid of you. आप ये सोचते हैं कि शैतान क्या आप पर हमला कर रहा था, क्या आपसे डरता नहीं है क्या वो? He is afraid. वो आपसे डरता है. He knows your calling. वो आपकी बुलाहट जानता है. He knows your anointing. वो आपके अभिषेक को जानता है. He knows Christ is in you. वो जानता है मसीह आपके अंदर है. He knows you are called to deliver the nation. आप उसको मालूम है कि आप बुलाए गए हैं राष्ट्र को छुटकारा देने के लिए. He knows. वो जानता है. That's why he says. तभी के लिए वो कह रहा है. This man. ये व्यक्ति. Is a terrorist. ये एक आतंकवादी है. He will damage our kingdom. ये हमारे राज्य को नाश कर देगा. You don't allow him to come and attack us. तुम उसको अनुमति देना कि वो आकर हम पर हमला करे. You go and hit him. तुम जाकर के उसको मारो. Then you start singing. और फिर आप गीत गाने लगते हैं. कठिन है रास्ते बहुत मट्टी सटी रहा. शट्ठा बाथा रिपाचा रामा कठिना रामा सांडा. How long? कब तक? कब तक? कब तक? कब तक? कब तक? Thank God. धन्यवाद प्रभु का. God told me. प्रभु ने मुझे बताया. My deliverers. मेरे छुटकारा दाता. Will rise up from this STC. वो इस STC से उठ खड़े होंगे. I believe it with all my heart. मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ. Can I tell you a good news? क्या मैं आपको अच्छी खबर बताऊँ? Don't wait for him to hit you. और इंतजार नहीं करें कि वो आप पर हमला करे. Somebody said. किसी ने कहा है. The best defense. और जो बेहतरीन रोकना है. The best defense protection. और जो बचाव करना. बचाव करना जो बेहतरीन बचाव करना है. The best defense. और जो बेहतरीन बचाव करना है. Is offense. वो है कि मार देना, हमला कर देना. पहले हमला कर देना. Suppose if he come, अगर वो ऐसे करके आ रहा है. Before he start, और ये सोचने से पहले. When he comes to attack, और जो हम आकर हमला करने के लिए आएगा. मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा पत्नी, मेरा पति, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, चावल नहीं है. He will hit you. और ये आपको मारेगा, हमला करेगा. Listen. सुनिए. If you don't attack him, अगर आप उस पर हमला नहीं करेंगे, he will hit you. वो आपको मारेगा. If you attack him, अगर आप उस पर हमला करेंगे, you will lose two tooth. आप दो दांत खोएंगे. But he will lose 32. लेकिन वो 32 दांत खो देगा. Try. कोशिश करके देखिए. Try. कोशिश करके देखिए. Unless you know how to cast out the demon. जब तक कि तुम्हें ये ना मालूम हो कि कैसे दुष्ट आत्मा को बाहर निकाले. If you don't know how to kick that fellow out. अगर आपको नहीं पता कि उसको कैसे आप लात मार के भगाए. You can never bring the kingdom of God in this world. आप इस संसार में परमेश्वर के राज्य को फिर नहीं ला सकते. लूक 11, लूका 11, वर्स 20 और उसका 20. परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है. Everybody say it now. Lift up your hand. सब हाथ उठा के बोलेंगे. If I cast out the demon, यदि मैं दुष्ट आत्माओं को. Say it. If I cast out the demon, बोलिए यदि मैं दुष्ट आत्माओं को. If I cast out the demon, यदि मैं दुष्ट आत्माओं को. By the power of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा की सामर्थ से निकालूंगा. By the finger of God, परमेश्वर की उंगली से निकालूंगा. I will bring down, मैं लेकर के आऊंगा. The kingdom of God, परमेश्वर के राज्य को. On this earth, इस पृथ्वी पर. How many of you know you are called to build God's kingdom on this world? कितने लोग ये जानते हैं कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है कि आप परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर निर्माण करें? Do you know that? आपको मालूम है ये? You are called to build God's kingdom in India. आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के राज्य को निर्माण करने के लिए इस भारत देश में. Jesus said. यीशु ने कहा. Pray. प्रार्थना करें. Our Father in heaven. हे हमारे पिता.
Hallowed be thy name. स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए. Thy kingdom come. तेरा राज्य आए. You pray. आप प्रार्थना करें. The kingdom come. कि राज्य आए. Only prayer. सिर्फ प्रार्थना करना. Will not bring the kingdom. राज्य को नहीं लाएगी. You say, Father. आप बोले पिता. This kingdom. ये राज्य. Is in the hand of the devil. ये शैतान के हाथों में है. He became a god of this world. और इस संसार का वो परमेश्वर बन गया है. I am sent by you. मैं आपके द्वारा भेजा गया हूँ. Listen, you are not born in this world. देखो आप इस संसार में पैदा नहीं हुए हैं. God sent you here. प्रभु ने आपको यहाँ भेजा है. God sent you here. प्रभु ने आपको यहाँ भेजा है. Your family. आपका परिवार. It's not your selection. वो आपका चुनाव नहीं है. God brought you as a family. परमेश्वर ने आपको परिवार के तौर पे लाया. For one purpose. एक उद्देश्य के लिए. To build God's kingdom. ताकि परमेश्वर के राज्य का निर्माण करें. Not to have children. इसलिए नहीं कि बच्चे पैदा करें. And grandchildren. या पर पोते पोते पैदा करें. And become old. और बूढ़े हो जाएं. And die. और मर जाएं. Everybody dies. सब लोग मरते हैं. Everybody have children. सबके पास बच्चे होते हैं. Everybody marry. सब लोग शादी करते हैं. You are different. क्या क्या है? You are God's ambassador. और आप परमेश्वर के राजदूत हैं. God sent you. परमेश्वर ने आपको भेजा है. God sent you. प्रभु ने आपको भेजा है. सीता रस को रमा खाती रमा रबा. Please understand this. कृपया करके समझे इसे. Everything you have. जो कुछ आपके पास है. Your talent. आपकी योग्यता. Your anointing. आपका अभिषेक. Your teaching. आपकी शिक्षा. Everything God invests you. और जो कुछ भी है प्रभु ने अंदर डाला है. Your family. आपका परिवार. God gave you. प्रभु ने आपको दिया है. To build His kingdom. ताकि उसके राज्य को आप यहाँ निर्माण करें. Everybody understand. सब लोग इस बात को समझे. You are sent. आप भेजे गए हैं. As an apostle, एक प्रेरित के तौर पे, teacher, एक शिक्षक के तौर पे, और as an evangelist, या एक सुसमाचार प्रचारक, as a pastor, एक पासबन शिक्षक के तौर पे. Your number one goal, आपका सबसे पहला एक निश्चय है, pull down the stronghold of the devil, ताकि शैतान के हर एक बंधनों को आप नीचे गिरा दें, and build God's kingdom, और परमेश्वर के राज्य को निर्माण करें. How can you do it? आप इसे कैसे कर सकते हैं? Already, पहले से ही, devil is holding. शैतान ने बांध के रखा है. He is holding the city. उसने पूरे शहर को पकड़ के रखा है. He is holding the village. उसने गांव को पकड़ के रखा है. You sent as God's ambassador. और परमेश्वर ने आपको भेजा है एक राजदूत के समान. You have to bring God's kingdom. आपको वहां पे परमेश्वर के राज्य को लाना है. Before bringing God's kingdom, परमेश्वर के राज्य को लाने से पहले, you have to kick out the devil's kingdom. और आपको शैतान के राज्य को लात मार के भगाना है. Yes, sir. No. हाँ ना. You cannot build. आप निर्माण फिर नहीं कर सकते. There are principalities. कुछ प्रधानताएं हैं. Rulers of the dark world. और वो अधिकारी हैं वो अंधकार के. Wicked spirit. और भूत आत्माएं हैं. You are not fighting with adultery. और आप व्यभिचार से नहीं लड़ रहे हैं. There is a spirit of unclean spirit. और अशुद्ध आत्मा है वहाँ पे. Unclean spirit. अशुद्ध आत्मा. When that spirit comes upon us. और जब हमारे ऊपर वो आत्मा आती है. Our thoughts are dirty. हमारे विचार गंदे हो जाते हैं. Words are dirty. हमारे शब्द गंदे हो जाते हैं. Shouting is dirty. और देखिए हर चीज गंदी हो जाती है. What we see is dirty. जो हम देखते हैं वो गंदा हो जाता है. That's an unclean spirit. और वो अशुद्ध आत्मा है. You can preach. आप प्रचार कर सकते हैं. All of you become holy. और सब लोगों को पवित्र बनना है. Christ is holy. मसीह पवित्र है. Without holiness, बिना पवित्रता के, you cannot enter into the kingdom. तुम राज्य में नहीं घुस सकते. If you cannot be holy in the thought, अगर तुम विचारों में पवित्र नहीं रहोगे, at least have a white shirt. और कम से कम तो सफेद सेट पहनो. Because in heaven everybody wears white. क्योंकि स्वर्ग में सब लोग सफेद कपड़े पहनते हैं. Hey. Hey. Blessed are those. धन्य है वे लोग. Pure in heart. जो मन में दीन है, शुद्ध है. Heart purity. उनका हृदय शुद्ध है. Heart purity. जिनका हृदय शुद्ध है. Holiness is a spirit. पवित्रता एक आत्मा है. Uncleanness is a spirit. अशुद्धता भी एक आत्मा है. It's not a bad habit. और ये कोई गंदी आदत नहीं है. It's a bad spirit. वो गंदी आत्मा है. Understand it. समझिए इसको. Christianity. मसीहत. Is a spiritual thing. वो आत्मिक चीज है. The Bible in the Old Testament. पुराने नियम में. Even great great people fell into sin. और बड़े-बड़े लोग पाप में गिर गए. Why? क्यों? They were fighting with flesh and blood. क्योंकि वो मांस और लहू में युद्ध कर रहे थे. They were fighting with flesh and blood. और वो मांस और लहू में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे. I know one. I heard about one senior pastor in Tamil Nadu. और मैंने एक सीनियर पास्टर को तमिलनाडु में सुना. All these funny teachings come from South India. वो कहते कि हर मजाक की शिक्षा साउथ इंडिया से ही आती है. Good things also come from South India. अच्छी चीजें भी दक्षिण भारत से आती हैं. One pastor. एक पासबान. And he is a very traditional pastor. White dress. और वो एक no mustache, hair short.
और वो एकदम ट्रेडिशनल पास्टर्स है, उसके जो कपड़े होंगे सफेद होंगे, कोई मुच्छी नहीं रहेगी, बाल भी बहुत छोटे छोटे रहेंगे। He smiles and preaches. और वो मुस्कुरा के प्रचार करता है। One lady came after the service. और तब सभा खत्म हुई तो एक महिला आई उसके पास। Pastor साहब, when you laugh, जब आप मुस्कुराते हो, your tooth are so beautiful. आपकी जो दांत है कितने खूबसूरत है। अच्छा tooth you have, pastor. बहुत अच्छे खूबसूरत दांत हैं। The pastor is a very sincere man. और जो पासबन बहुत ईमानदार व्यक्ति। He went inside. और वो अंदर गया। This woman, ये औरत, didn't hear my preaching. मेरे प्रचार को नहीं सुनी। She is enjoying my tooth beauty. वो मेरे दांतों की खूबसूरती को देख रही थी। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? If your right hand offend you, अगर तेरा हाथ तुझे दोष लगा है, cut it, काट के फेंक दे। If your left hand offend you, अगर तेरा बायां हाथ लगा है, cut it, काट के फेंक दे। So he went, वो गया, and took a stone, और एक पत्थर को लिया, and broke his leg, a tooth, अपने दांतों को तोड़ दिया, the tooth came out, और दांत बाहर आ गए, and he became Mahatma Gandhi, और वो महात्मा गांधी बन गया। The devil, if the devil knows, अगर शैतान इस बात को जाने, imagine the next day the lady comes, अगर सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर वो दूसरे दिन महिला आएगी, Pastor साहब, your eyes are so beautiful, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। Think about it, सोचिए जरा क्या होगा। Listen to me, beloved. सुनिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। The outward changes. और जो बाहरी बदलाव है। It's all dealing with flesh and blood. वो है आत्मा और शरीर और लहू से युद्ध के कारण। I am not saying dirty dress, ugly dress, expose your body. That's not what I am talking about. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी जो कपड़े हैं वो गंदे हैं, आप अपने शरीर को दिखा रहे हैं। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। There is unclean spirit. एक अशुद्ध आत्मा है। When the spirit comes, जब वो आत्मा आता है, he was naked, वो नंगा था, that's a dumb spirit, और वो एक गूंगी आत्मा है। Can I tell you? क्या मैं आपको बताऊं? Sometimes you preach 100 sermon, कभी कभार आप 100 से भी ज्यादा संदेश देते हैं। After the sermon, और संदेश के बाद, पास्टर क्या बोला है? पास्टर क्या बोले थे? अच्छा बोला है। क्या प्रचार दिया? क्या प्रचार किया? पता नहीं है। अच्छा था। पता नहीं, लेकिन अच्छा बोला था। डम स्पिरिट। और देखिए, डम आत्मा है ये। बिफोर प्रीचिंग, और प्रचार करने से पहले, बाइंड द डम स्पिरिट। और उस डम आत्मा को आपको बांधना है। बाइंड द डम स्पिरिट। और उस आत्मा को आपको बांधना है। बाइंड द एडल्ट्री स्पिरिट। और वो व्यभिचार की आत्मा को बांधना है। उस बेवकूफ आत्मा को बांधना है। Are you listening? आपको समझ में आ रहा है? Everybody say it. सब लोग बोलेंगे। It's a battle. ये एक युद्ध है। But लेकिन it's a victorious battle. ये एक विजयी युद्ध है। 100% victory battle. 100% विजयी युद्ध है। 100% victory battle. 100% विजयी युद्ध है। I know the result. मुझे परिणाम मालूम है। 100% victorious battle. 100% विजयी युद्ध। For Christian, मसीहों के लिए, you know why it's a victorious battle? आपको मालूम ये विजयी क्यों है? युद्ध मेरा नहीं, प्रभु तेरा है। बरकता। तीब्रा माचारा। Are you listening? आप सुन रहे हैं? Psalm 110. भजन संहिता 110. मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। जीसस केम, यीशु आया। सब लोग बोली, यीशु आया। क्यों आया? Why Jesus came? क्यों यीशु आया? To preach, प्रचार करने के लिए। To heal, चंगाई करने के लिए। To die, मरने के लिए। Yes, हाँ। But लेकिन, if you put everything together, अगर आप सबको इकट्ठा कर लोगे, please listen, सुनिए इसको। Now you will understand, अभी आप समझेंगे। Why you came in this world, क्यों आप इस संसार में आए? Why Jesus came into your life, और क्यों यीशु आपके जीवन में आया? The Bible says, Bible कहती है, First John, पहला यूहन्ना 3:8. का आठ, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है,
क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। Everybody say, सब लोग कहेंगे, say it with me, मेरे साथ कहिए, for this purpose, इस उद्देश्य के लिए, everybody say, for this purpose, इस उद्देश्य के लिए, I want you to backside people shout it, for this reason, पीछे के लोग चिल्ला के बोलेंगे इस कारण के लिए, for this purpose, इस उद्देश्य के लिए, for this purpose, इस उद्देश्य के लिए, the Son of God manifested, परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ, the Son of God came, परमेश्वर का पुत्र आया, for this purpose, इस उद्देश्य के लिए, the Son of God died, और परमेश्वर का पुत्र मरा, for this purpose, इस उद्देश्य के लिए, the Son of God resurrected, परमेश्वर का पुत्र पुनरुत्थानित हुआ, for this purpose, इस उद्देश्य के लिए, the Son of God went to heaven, परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग में गया, for this purpose, इस उद्देश्य के लिए, the Son of God sitting on the throne, परमेश्वर का पुत्र सिंहासन पे बैठा है, for this purpose, इस उद्देश्य के लिए, he poured out the Holy Ghost, उसने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया, for this purpose, इस उद्देश्य के लिए, he selected his people, उसने अपने लोगों को चुन लिया, why, क्यों, to destroy, ताकि नाश करें, the works of the devil, शैतान के कामों को, that's your calling, ये आपकी बुलाहट है, that's your calling, ये आपकी बुलाहट है, that's your calling, ये आपकी बुलाहट है, everybody say, for this purpose, बोलो इस उद्देश्य के लिए, the Son of God, परमेश्वर का पुत्र, came into my life, मेरे जीवन में आया, my life, मेरा जीवन, to destroy, ताकि नाश करे, the works of the devil, शैतान के कामों को, can I tell you good news, अच्छी खबर बताऊं, when Son of God comes inside, जब परमेश्वर का पुत्र अंदर आ जाता है, he does many things, बहुत सारे काम करता है, first, पहली चीज, he destroy the works of the devil in my life, सबसे पहले वो मेरे जीवन में शैतान के कामों का नाश करता है, For that he came. और उसके लिए वो आया. For that he came. उसके लिए वो आया. Then, उसके बाद, through my life, और मेरे जीवन के द्वारा, he destroys the works of the devil in the family, और परिवार के जीवन में शैतान के कामों को नाश करता है, then, उसके बाद, the Son of God comes out of me, और मेरे अंदर से परमेश्वर का पुत्र बाहर आता है, and destroy the works of the devil in the city, और शहर में शैतान के कामों का वो नाश करता है, और राष्ट्रों में, say yes Lord, बोलो हाँ प्रभु, say yes Lord, बोलो हाँ प्रभु, the Bible says, Bible कहती है, Peter put Jesus ministry in one sentence. और पत्रस ने यीशु की सेवकाई को एक वाक्य में डाल दिया. In one word. एक शब्द में. God. परमेश्वर. Anointed. अभिषिक्त किया. Jesus of Nazareth. यीशु नाज़री को. With the Holy Ghost and with power. और पवित्र आत्मा से और सामर्थ से. Everybody say God. बोलो परमेश्वर ने. Anointed. अभिषेक किया. Jesus of Nazareth. यीशु नाज़री को. With the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से. And with the power. और सामर्थ से. He went around. वो गया उधर. He went above. वो हर जगह गया. Doing good. भलाई करता हुआ. Doing good. भलाई करता हुआ. And healing. और चंगाई करता. All those. उन लोगों को. All those उन लोगों को who are oppressed by the devil. जो शैतान के सताए हुए थे. Are you happy? क्या आप खुश हैं? You are anointed. आप अभिषिक्त हैं. How many of you are anointed? कितने अभिषिक्त हैं? Everybody say God. बोलो परमेश्वर. Has anointed me. मुझे मेरा अभिषेक किया है. With the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से. And with power. और सामर्थ से. That I may go around. ताकि मैं चलता फिरता रहूं. Doing good. भलाई करता हुआ. Healing. चंगाई. Healing. चंगाई. All those who are oppressed by the devil. और उन लोगों को जो शैतान के सताए हुए हैं. Did you understand? क्या आपको समझ में आ रहा है? This is your anointing. ये आपका अभिषेक है. This is your anointing. ये आपका अभिषेक है. The Holy Ghost came. पवित्र आत्मा आया. Upon you. आपके ऊपर. Are you speaking in tongues? क्या आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं? You know why? आपको मालूम है क्यों? You know why? आपको मालूम है क्यों? You will do good. क्योंकि तुम भलाई करोगे. Can I tell you? क्या मैं आपको बताऊं? Nobody can do good to anybody. कोई भी किसी की भलाई नहीं करता है. Without The Holy Ghost. बिना पवित्र आत्मा के. ओके ठीक है. Nobody can do good to anybody. और कोई भी किसी के लिए भलाई नहीं करता है. Without dealing with the oppressing demon. और बिना सताए हुए शैतान से लड़ने के.
टेल योर नेबर, अपने पड़ोसी को समझाइए, समझाइए, समझाइए क्या उसको? बदर ऐसे क्या फ्रांसिस बोल रहे हैं, ऐसे क्या फ्रांसिस क्या बोल रहे हैं, शैतान के साथ सामने करना है, शैतान का सामना करना है, अगर नहीं तो किसी को वो किसी को भलाई नहीं कर सकता है, आप भलाई नहीं कर सकते हैं। बोलिए 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 शैतान का विदाउट बिना डिलीवरिंग पीपल, लोगों को छुटकारा करे ऑपरेशन ऑफ द डेविल, शैतान के उस सताव से, यू कैनॉट डू एनी गुड, आप कुछ भलाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो जाएगा, कोई भलाई नहीं हो रहा है। आर यू लिसनिंग, आप सुन रहे हैं? कैन आई टेल यू, क्या मैं आपको बताऊं, जीसस लिव्ड 30 years, यीशु मसीह 30 साल जिए। लिसन टू मी एवरीबॉडी, सुनिए मेरी बात को सब लोग। एंड ही हैड ए ब्यूटीफुल कैरेक्टर, और उसका बहुत सुंदर चरित्र था। 100% ओबेड गॉड, और 100% प्रभु की आज्ञा करता। 100% ओबेड मम्मी डैडी, और 100% माँ बाप का भी आदर किया। He was so humble, वो इतना नम्र था। कैरेक्टर डेवलप्ड, और उसने अपने चरित्र का निर्माण किया। वर्ड वचन, इवन 12 years, और 12 साल की उम्र में he studied the whole Bible, उसने पूरी बाइबल पढ़ लिया। इवन विद थियोलॉजियंस, और पूरे ईश्वर के ज्ञान रखने वाले लोगों से he could argue, वो सवाल जवाब करने लगा। हाई बाइबल नॉलेज, और ज्यादा बाइबल का ज्ञान, हेवी नाइस कैरेक्टर, और अच्छा चरित्र, such a humility, अच्छा नम्रता। He was growing in the favor of God, और वो परमेश्वर की डील डॉल में बढ़ रहा था। Growing in the favor of men, और मनुष्य के डील डॉल में बढ़ रहा था। 30 years, 30 साल तक। But लेकिन not even one headache was healed, और एक सर दर्द भी चंगा है नहीं किया। Not even one miracle, और एक चमत्कार भी यीशु ने नहीं किया। Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? हाँ या ना? Theology good, और ईश्वर का ज्ञान रखना अच्छा है। Good character good, अच्छा चरित्र बहुत अच्छा है। Zeal is good, जलन अच्छी है। But for ministry, लेकिन सेवकाई के लिए, you need something, आपको कुछ चाहिए। Heavenly dynamite, और स्वर्ग का dynamite, heavenly dynamite, स्वर्ग का dynamite। Why? क्यों? Ministry, सेवकाई, is not nice smile, वो अच्छा मुस्कुराना नहीं है। मुस्कुराना, Jesus loves you, यीशु तुमसे प्यार करता है। It's not ministry, ये सेवकाई नहीं है। Ministry, सेवकाई, is not, वो नहीं है। 10 points to win a soul, और कैसे आत्मा को जीते उसके 10 बिंदु। हेलो हेलो, मिनिस्ट्री इज नॉट ए टेक्निक, सेवकाई कोई टेक्निक नहीं है। इट्स ए स्पिरिचुअल फोर्स, वो आत्मिक प्रभाव है। इट्स ए स्पिरिचुअल कॉम्बैट, और वो कोई आत्मिक युद्ध है। That soul, वो आत्मा, is in the hand of the devil, वो शैतान के हाथ में है। Tightly devil is holding, और कस करके पकड़ के रखा है। Jesus said, यीशु ने कहा, when a strong man, जब एक बलवंत व्यक्ति, Luke 11:21-23 afterwards, 21-22-23 बाद में, when a strong man, जब बलवंत व्यक्ति, fully armed, everybody said, बोलो पूरा हथियार पहने हुए है, सब लोग बोलिए strong man, बोलो बलवंत व्यक्ति, fully armed, पूरा हथियार पहने हुए है, guarding his palace, अपने उस महल को वो सुरक्षा दे रहा है, all his things are at peace, और उसकी सारी चीजें शांति में रहेंगी। Meaning, मतलब it's all in his hand, वो सब उसके हाथों में है। The Bible says, बाइबल कहती है, if a stronger than him comes, अगर उससे ज्यादा बलवंत व्यक्ति आएगा, कौन है वो ज्यादा बलवंत आदमी व्यक्ति, वो कौन है सबसे ज्यादा बलवंत व्यक्ति? He, वो comes upon him, वो उसके ऊपर आएगा, ओवरकम हिम, और उसके पर जय प्राप्त करेगा, रिमूव द आर्मर, और सारे हथियारों को खोल देगा, टाइस हिम, और बांध देगा उसको, देन ही विल प्लंडर द गुड्स, और पूरी चीज को खाली कर देगा, अच्छी चीजों को। वो द बाइबल से, और बाइबल कहती है, हाउ कैन वन गो इन टू द पैलेस एंड प्लंडर द गुड्स अनलेस ही binds the strong, और बाइबल कहती है जब तक कि तुम उस बलवंत व्यक्ति को बांधोगे नहीं, तो कैसे आप उस महल में जाकर के उस महल को आप खाली कर दोगे? पास्टर साहब, पास्टर जी, कैसे आप सोल विनिंग करेंगे, कैसे आप आत्मा को बचाएंगे?
Brother, is it क्या? भाई ऐसे क्या? 500 people baptized. 500 लोग बपतिस्मा लिए. आ रहेंगे, जा रहेंगे, आ रहे, आ जाएंगे, जा जाएंगे. आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं. कितने लोग यहाँ है पास्टर साहब अंदर में? और अंदर में कितने लोग हैं यहाँ पे? 45 to 50 होगा. और 45 से 50 होंगे. Who is stealing that soul? और वो कौन चुरा रहा है आत्माओं को? You are a good preacher. आप अच्छे प्रचारक हैं. Many people don't preach like you. और लोग आपके जैसा प्रचार नहीं करते. क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर. नो भैया, मेरा असिस्टेंट बहुत सोल के लेकर के गया. नहीं भैया, जो मेरे नीचे सेवक था उसने आधी आत्माओं को लेकर के चला गया. ओके, ठीक है. ये असिस्टेंट के अंदर क्या आया? ये असिस्टेंट के अंदर क्या आया? दुष्ट आत्मा आया. दुष्ट आत्मा आया. आप क्या किया? तब आपने क्या किया? फट्टा ठीडी फूटो रोटो. सबसे पहले How did you start the ministry? और सबसे पहले आपने सेवकाई कैसे चालू की? How did you grow the church? आपने कैसे कलीसिया को बढ़ाया? You are full of God. आप पूरे परमेश्वर से भरे हैं. You did put on the armor. और आपने वो हथियारों को पहने हुए थे. Souls came. और तभी के लिए आत्माएं आने लगी. After some time. और कुछ समय के बाद. Armor falling हो गया. और हथियार गिरने लगे. Souls भी falling हो गया. और आत्माएं भी गिरने लगी. सोच समझ कर सौदा कर. कृपया करके समझे. मिनिस्ट्री मस्ट गो फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी. देखिए, आपकी सेवकाई को महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा की ओर जाना है. बहुत साल के पहले बहुत महिमा था, बहुत ज्यादा महिमा थी. लेकिन लेकिन आप नहीं बोलना. मुझे मालूम है क्यों. मुझे मालूम है क्यों. आप मत बताना. नहीं बताना. मुझे मत बताना. मुझे मालूम है. सोच समझ कर सौदा कर सौदा कर. भैया भैया, यू नीड टू बी ऑन द अलर्ट. और आपको सतर्क रहना है. पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड. परमेश्वर के हथियारों को बांध लेना है. प्रे इन द स्पिरिट. आत्मा में प्रार्थना करना. बिल्ड अप योर स्पिरिट. अपने आत्मा को बढ़ाना है, निर्माण करना. नॉट बिल्डिंग द मिनिस्ट्री. वो सेवकाई का निर्माण करना नहीं. बिल्डिंग योर इनर मैन. आपके अंदरूनी मनुष्य का निर्माण करना. व्हेन यू ग्रो इन द इनर मैन. जब अंदरूनी मनुष्य में बढ़ते जाओगे, योर मिनिस्ट्री विल ग्रो. आपकी सेवकाई बढ़ेगी. I'm not in the ministry few years. मैं थोड़े साल से सेवकाई में नहीं हूँ. I'm doing ministry from my teenage. मैं बचपन से सेवकाई को कर रहा हूँ. All my years. मेरे सारे सालों में. I see the glory. मैंने महिमा को देखा है. From A to B to another level to another level. और आ से बासक और दूसरे स्तर में और दूसरे स्तर में. Who told you? आपको किसने बताया? After some time everybody will go. Who told you? किसने बोला कि कुछ समय के बाद सब लोग चले जाएंगे? किसने बोला? That's a lie of the devil. ये शैतान का झूठ है. From strength to strength. ताकत से ताकत की ओर. ताकत से ताकत. ताकत से ताकत की ओर. महिमा से महिमा. महिमा से महिमा की ओर. बढ़ते जाना. बढ़ने जाना. बढ़ते जाना. ये परमेश्वर का इच्छा है. ये परमेश्वर की ही इच्छा है. Before Jesus went to the people. और यीशु मसीह के लोगों के पास जाने से पहले, जब वो 30 साल का था, he went to Jordan. वो यर्दन नदी के पास गया. Went to Jordan. वो यर्दन के पास गया. You know the story. आपको कहानी मालूम है. He was baptized. वो बपतिस्मा लिया. When he came out of the water. जब वो पानी से बाहर निकला. Heavens open. स्वर्ग खुल गया. All heavens open. सारा स्वर्ग खुल गया. The spirit of God came like a dove. और परमेश्वर का आत्मा कपोत के रूप में आया. Alighting on him. और उसके ऊपर आकर के बैठ गया. Father से पिता ने कहा, Here is my beloved son. यह मेरा प्रिय पुत्र है. In whom I am well pleased. जिससे मैं अधिक प्रसन्न हूँ. Immediately. और तुरंत. Everybody say first. बोलो सबसे पहले.
First, सबसे पहले when the Holy Ghost came, जब पवित्र आत्मा आया first, सबसे पहले when the Holy Ghost came, जब पवित्र आत्मा आया first, सबसे पहले you know what the Bible says, आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? He took him to the wilderness, उसने उसको जंगल में लेके चला गया. In Mark it says, और मरकुस में लिखा है when the Holy Spirit came upon him, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया he didn't say, उसने ये नहीं कहा बेटा बेटा shall we go to the wilderness, क्या चले हम जंगल की ओर? No, ऐसा नहीं बोला. The Greek Bible says, और यूनानी बाइबल कहती है he forced him, उसने to दबाव देकर के उसको जंगल की ओर ले गया. Forced him, दबाव देकर के, जबरदस्ती से, जबरदस्ती से, forced him, दबाव देकर के, जबरदस्ती से, into the wilderness, उसको जंगल में लेके चला गया. Why? क्यों? To meet the strong man, ताकि बलवंत व्यक्ति से वो मुलाकात कर सके. Till Jesus came, जब तक यीशु मसीह नहीं आया, from Adam, आदम से, the strong man, वो बलवंत व्यक्ति, was keeping the whole world, वो पूरे संसार को रखा हुआ था अपने पास, as his palace, और अपने महल समझ करके, it's not devil's palace, वो शैतान का महल नहीं है, it's not devil's world, और वो शैतान का संसार नहीं है, Adam's world, वो आदम का संसार है, Adam leased it to Devil. और आदम ने किराए पर दे दिया शैतान को. सेकंड आदम के दूसरा आदम आया. सेकंड आदम के दूसरा आदम आया. To take back the ताकि world. वापिस संसार को अपने हाथों में ले लें. Are you getting this message? क्या आपको यह संदेश अंदर आ रहा है? The Son of God, परमेश्वर का पुत्र, manifested, प्रकट हुआ, to destroy, ताकि नाश करे, the works of the devil, शैतान के कामों का. He was anointed, वो अभिषिक्त था, with the Holy Ghost, पवित्र आत्मा से, and with power, और सामर्थ से, went about doing good, और भलाई करता हुआ फिरा, healing, चंगाई, all those who are oppressed by the devil, जो लोग शैतान के सताए हुए थे. That was his ministry. ये उसकी सेवकाई थी. He has to heal the sick. उसको बीमार को चंगा करना है. He has to raise the dead. उसको मुर्दे को जिंदा करना है. He has to preach the gospel. उसको सुसमाचार का प्रचार करना है. He has to cleanse the lepers. उसको कोढ़ियों को शुद्ध करना है. Before doing miracles. और चमत्कार करने से पहले. First. सबसे पहले. Deal with a strong man. उस बलवंत व्यक्ति से आमना सामना करें, डील करें. First. सबसे पहले. Do this battle. वो युद्ध करें. Deal with him. उससे डील करें. Then, उसके बाद deliver the world. लोगों को छुटकारा दे. Deliver the people. लोगों को संसार का छुटकारा करें. सेबाराहत्ता रोमा खदीरामा से छेरे बेरे बेरे. Are you getting me? Are you getting it? क्या आपको ये मिल रहा है? अंदर आ रहा है आपके? Are you getting it? क्या ये आपके अंदर आ रहा है? Can we have all night teaching? क्या पूरी रात भर हम शिक्षा जारी रखें? ताबाराकता. झूठ बोल रहे हैं आप? क्या झूठ बोल रहे हैं आप लोग? झूठ नहीं बोलना. झूठ नहीं बोलना. झूठ एक आत्मा है. झूठ भी एक आत्मा है. Listen to me. सुनिए मेरी बात को. Jesus took him. यीशु को लेके चला गया. The Holy Ghost took him to the wilderness. पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में लेके चला गया. Maybe if God guides me, I will tell you some secrets. और देखिए अगर प्रभु ने मेरी अगुवाई करे तो मैं आपको कुछ भेद बताऊंगा कैसे. How to handle this fellow? कैसे इस फेलो को, इस व्यक्ति को हम लोग हैंडल करना. So Jesus. तो यीशु. Overpowered. और ज्यादा सामर्थ्य रूप में. The strong man. और उस बलवंत व्यक्ति के ऊपर में. Took off his armor. उसके हर एक हथियार को निकाल दिया. When they made him naked on the cross. और जब क्रूस पर उसको नंगा कर दिया. It was not Jesus on the naked. वो यीशु मसीह नंगा नहीं था क्रूस पे. All the power. सारी सामर्थ. All the शक्ति. सारी शक्ति. All the principle. सारी प्रधानताएं. All the badge. और सारे जो हथियार थे. From the devil. शैतान से. Was stripped off. और वो खींच के निकाल दिए गए. Hallelujah. Hallelujah. The first message. पहला संदेश. From the wilderness. और उस जंगल से. He won the devil. उसने शैतान से जीत गया. Angels helped him. और स्वर्गदूतों ने मदद की. He went to the synagogue. और वो आराधनालय में गया. They gave him the book. उसने उसको किताब दी. He took Isaiah. उसने यशायाह की पुस्तक. Turned to one chapter. उसने एक अध्याय को खोला. And he read it. और उसने उसको पढ़ा. And you know what he said. और उसने मालूम क्या बोला? The spirit of the Lord God. Is upon me. और उसने क्या पढ़ा? परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है. मेरे ऊपर आ चुका. मेरे ऊपर आ चुका. हालेलुया. हालेलुया. Then, उसके बाद yes, anointed me, उसने मेरा अभिषेक किया है, to heal, ताकि to, चंगाई to करूं, preach, ताकि प्रचार करूं, the gospel, सुसमाचार का, to the poor. कंगालों को. You answer me. आप मुझे उत्तर दीजिए. Who made them poor? किसने उनको कंगाल बनाया? किसने बनाया उनको कंगाल?
They became poor. वो कंगाल बने. But God made us rich. लेकिन प्रभु ने हमें अमीर बनाया. Who makes them poor? उनको कंगाल किसने बनाया? Do you know? आपको मालूम है? It's not God who didn't give money. और ये परमेश्वर नहीं है जो पैसा नहीं देता है. God wants to give you crore. परमेश्वर आपको करोड़ों रुपए देना चाहता है. To build His kingdom. ताकि आप उसके राज्य को बनाएं. Who is stopping that money? और वो पैसे को कौन रोक के रखा है? Your adversary. आपका विरोधी. The devil. वो शैतान. Is holding that money. वो पैसे को पकड़ के रखा है. Thank you for that smiling. धन्यवाद उस मुस्कुराते हुए. Yes, anointed me. उसने मेरा अभिषेक किया है. To heal the broken heart. ताकि टूटे हृदय को चंगा करूं. Tell me who broke the hearts. बताइए किसने हृदय को तोड़ा? बोलिए. बताइए चिल्ला के बोलिए. Who breaks the heart of the people? लोगों का हृदय किसने तोड़ा? Who breaks the families? किसने परिवार को तोड़ा? Who breaks the good people? किसने भले लोगों को तोड़ा? Who breaks the hope in the people? और किसने लोगों की आशा को तोड़ा? Yes, anointed. उसने मेरा अभिषेक किया. To heal. ताकि चंगा करो. The broken family. टूटे परिवारों का. Broken heart. टूटे हृदय का. The Bible says. बाइबल कहती है. To set the captives free. ताकि बंदियों को मैं छुड़ा सकूं. Can I tell you? क्या मैं आपको बताऊं? A born man. एक जन्म लिया व्यक्ति. Is a slave of the devil. वो शैतान का दास है. A born again man. एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति. Is a master of वो the devil. स्वामी है शैतान का. When I talk about devil. जब मैं शैतान के बारे में बात करता हूँ. Don't go to the room. Devil, 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 devil. और कमरे में जाकर ऐसा नहीं कहना शैतान, 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 शैतान. When you born from my mommy. तब आप अपने माता पिता से जन्म लेते हैं. The Bible says. बाइबल कहती है. My mommy conceived me in sin. मेरी माँ ने मुझे पाप में गर्भ में धारण किया. हम है पापी महान. हम है पापी महान. ये बोलो. मुक्ति दिलाए यीशु नाम. शांति दिलाए यीशु नाम. मुक्ति दिलाए यीशु नाम. शांति दिलाए यीशु नाम. When you are born from my parents. जब अपने माता पिता से जन्म लिए. The moment you came out, और जिस समय आप पृथ्वी पर जब आपने किया पैं पैं पैं, the first person to who carried you, और जिस पहले व्यक्ति ने आपको उठाया, is our Mr. Devil. वो हमारा मिस्टर शैतान है. He took you. उसने आपको पहले से पकड़ लिया. From that day, और उस दिन से, you grow under his grip. आप उसकी जकड़न में बढ़ने लगे. When you are born again, जब आपने नया जन्म लिया, then God's life come, प्रभु का जीवन आया, you become a new creation, आप एक नई सृष्टि बन गए, God's breath came, परमेश्वर की श्वास आ गई, you kick the devil out, आपने शैतान को लात मार के भगा you दिया, jump out of him, आप उसमें से बाहर आ गए, you become a master, आप स्वामी बन गए. Please understand. कृपया करके समझें. You are not a slave of the devil. आप शैतान के दास नहीं हैं. The Bible says. बाइबल कहती है. In Colossians 1:13. कुलुसियो 1:13 में. कोई उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया. This is salvation. ये उद्धार है. कितने लोग salvation पा लिया? कितने लोगों ने उद्धार को पाया है? उधार पा लिया? उधार पा लिए. सब लोग हैं? सब लोगों ने. बॉर्न अगेन? नया जन्म पा लिए हैं? नया जन्म आया है? नया जन्म पा लिए. चिल्ला. यू नो क्या हुआ दैट टाइम? आपको मालूम उस दिन क्या हुआ जब आपने नया जन्म? द लॉर्ड परमेश्वर ने डिलीवर्ड यू. आपको बाहर निकाला. फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस. और अंधकार की सामर्थ के अंधकार के वश से बाहर निकाल करके. एंड ट्रांसफर्ड यू. और आपको डाल दिया. इनटू द किंगडम ऑफ हिज सन जीसस. और उसके पुत्र के राज्य में, यीशु के राज्य में. आफ्टर दैट. उसके बाद. द डेविल हैज नो पावर ओवर योर बॉर्न अगेन चाइल्ड. उसके बाद शैतान के पास कोई भी सामर्थ नहीं है एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के ऊपर पे. This I will emphasize in the coming days. और आने वाले दिनों पर इस पर मैं ज्यादा जोर डालूंगा. You must know. आपको जानना पड़ेगा. You are his son. आप उसके पुत्र हैं. You are his वारिस. आप उसके वारिस हैं. Master of all. आप सब चीज के स्वामी हैं. If you don't know it, अगर आप नहीं जानेंगे, if you only know that about demon, अगर आपको सिर्फ दुष्ट आत्मा के बारे में मालूम है, बहुत danger, बहुत खतरनाक है. Then you will say,
Ezekiel told you, know, Shaitan, you know, Shaitan, Shaitan, Shaitan ghar ke andar hai, Shaitan pati ke upar hai, Shaitan, Shaitan, Shaitan mera patni ke andar, Shaitan, Shaitan, Shaitan maure bache log, Shaitan yahan table mein, Shaitan, Shaitan, Shaitan wahan electricity ke andar. I'm not going to make you demon conscious. और मैं आपको दुष्टात्मा के विवेक में नहीं डालना चाहता हूँ. But I want you to know. मैं चाहता हूँ कि आप जाने. You are in a battle. कि आप एक युद्ध में हैं. That's a victorious battle. वो एक विजयी युद्ध है. You are in a battle. आप एक युद्ध में हैं. It's not a defensive battle. और वो ऐसे नहीं बचाव का युद्ध नहीं है. It's an offensive battle. वो हमला करने वाला युद्ध है. He doesn't attack you. वो आप पर हमला नहीं करेगा. The strong man is holding. और वो बलवंत व्यक्ति ने रोक के रखा हुआ है. He's holding your blessing. वो आपकी आशीषों को रोक के रखा है. He's holding your ministry. आपकी सेवकाई को पकड़ के रखा है. He's holding your healing. आपकी चंगाई को रोक के रखा है. You are stronger than him. आप उस बलवंत व्यक्ति से बढ़कर बलवंत हैं. Because क्योंकि The greater, जो महान है, one is living in you, जो आपके अंदर जी रहा है, you are stronger, वो और बलवंत है. What you have to do, आपको करना क्या है? Don't say hallelujah, hallelujah नहीं बोलें. Go into the enemy's territory, और शत्रु के उस सीमा में जाइए. Jump over him, और कूद जाइए बीच में. Overpower him, और उस पर हमला कीजिए. Take his plunder, और ये इसको पूरा खाली कर दीजिए. Ministry will grow, और सेवकाई बढ़ने लगेगी. Family will be blessed, परिवार आशीषित हो. Everything will change. हर एक चीज बदल जाएगी. ताकि वो अच्छी वस्तु को खाली कर दे. आई एम कॉलिंग यू. मैं तुम्हें बुला रहा हूँ. बिल्ड योर मिनिस्ट्री. ताकि तुम अपनी सेवकाई का निर्माण करो. अपने परिवार का निर्माण करो. आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं इस बात से? आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? Because of that, इसके कारण, Jesus went. यीशु गया. He said, "The Spirit of God is upon." उसने बोला कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है. He has anointed me. उसने मेरा अभिषेक किया. To preach the gospel to the poor. ताकि कंगालों को सुसमाचार सुनाओ. To set the captives free. बंदियों को छुटकारे का संदेश दो. Everybody say. सब लोग कहेंगे. The Spirit of God is upon me also. परमेश्वर का आत्मा मेरे भी ऊपर है. बोलिए, बोलिए, बोलिए. सब बोलेंगे परमेश्वर का आत्मा. परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर भी है. मेरे ऊपर ही है. He has anointed me. उसने मेरा अभिषेक किया है. अभिषेक किया है. उसने मेरा अभिषेक किया है. अभिषेक किया है. He has sent me into this world. उसने मुझे इस संसार में भेजा है टू प्रीच द गॉस्पल. ताकि सुसमाचार का प्रचार करूं टू द पुअर. उन कंगालों को टू हील द ब्रोकन हार्ट. टूटे हृदय को चंगाई का संदेश दूं. हृदय को चंगाई का संदेश दूं. To set the captives free. ताकि बंदियों को छुटकारा दूं. To recover the blind. और ताकि अंधों को आंखें दूं. Do you remember? क्या आप जानते हैं? The God of this world. इस संसार का परमेश्वर. Has blinded the minds of the people. लोगों की मन की आंखों को बंद करके रखा है. The anointing is upon you. वो अभिषेक आपके ऊपर है. You are anointed. आप अभिषिक्त हैं. You are called. आप बुलाए गए हैं. You are sent. आप भेजे गए हैं. You are separated. आप अलग किए गए हैं. To open those eyes. ताकि उन बंद आँखों को खोलें. To open the eyes. ताकि आँखों को खोलें. Of the blind. उन अंधों की. That's why you are anointed. तभी के लिए आप अभिषिक्त हैं. That's why the Holy Ghost came. तभी के लिए पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया. Are you happy? क्या आप खुश हैं? Jesus. यीशु. Every day. हर एक दिन प्रतिदिन. He was casting out devils. वो हर प्रतिदिन दुष्ट आत्मा को निकालता था. He casted out so many demons. वो इतनी दुष्ट आत्माओं को निकाला. His enemies said, उसके शत्रु ने कहा, he is full of Beelzebub. और ये पूरा बियलज़बब जैसा है. That's why he is casting out demons. तभी के लिए दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है. मार्कुस 1:39 अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा.
सब लोग बोलिए, सब बोलेंगे मेरा यीशु, मेरा यीशु, टच योर फिंगर, अपने उंगली को छुइए, माय जीसस, मेरा यीशु, वेंट टू एवरी सिनेगॉग, हर एक आराधनालय में गया, एवरी सिनेगॉग, हर एक आराधनालय में गया, एवरी सिनेगॉग, हर एक आराधनालय में गया, एवरीवेयर, और हर जगह, ही प्रीच्ड, उसने प्रचार किया, कास्टेड आउट द डेविल, और दुष्ट आत्मा को निकाला, एवरीवेयर, हर जगह, जेम एवरीबॉडी से जीसस, बोलो यीशु, ताली बजा के बोले यीशु, यू आर इन मी, आप मेरे अंदर हैं, Your ministry. आपकी सेवकाई. Is my ministry. वो मेरी सेवकाई है. You began. तो आपने जो शुरुआत की. I continue. मैं उसको जारी रखूंगा. Issue. Issue. तेरा ministry. तेरी सेवकाई. मेरा ministry. मेरी सेवकाई. पिताजी. पिताजी. जो तेरा है. जो तेरा है. वो मेरा है. वो मेरा है. I am your warish. मैं तेरा वारिस हूँ. Every temple. हर एक मंदिर. You preach. आपने प्रचार किया. And you casted out the devil. और वहाँ पे आपने दुष्ट आत्मा निकाली. And you healed the sick. और आपने बीमारों को चंगा किया. In my life, मेरे जीवन में, I will preach, मैं प्रचार करूंगा, I will cast out the devil, मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, this is my calling, ये मेरी बुलाहट है, I take it, मैं लेता हूँ, I take it, मैं लेता हूँ, this is my anointing, ये मेरा अभिषेक है, I take it, मैं ले लेता हूँ, from today, आज के दिन से, everybody say from today, बोलो आज के दिन से, this ministry begins in my life, ये सेवकाई मेरे जीवन में चालू होती है, be released, और स्वतंत्र हो जाइए, be released, आप इस बात के लिए स्वतंत्र हो जाइए, be released, आप स्वतंत्र हो जाइए, be released. आप स्वतंत्र हो जाइए. Listen to me. सुनिए मेरी बात. The Holy Spirit told me. पवित्र आत्मा ने मुझे बोला. There are many people here. यहाँ पे बहुत लोग हैं. You will cast out the demon. आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे. You will cast out the demon. आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे. I casted out demon. मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला. When I was a 15-year-old boy. जब मैं 15 साल का लड़का था. If I have time tomorrow, I will tell you. अगर कल मेरे पास समय होगा तो मैं बताऊंगा. Demon started crying. और दुष्ट आत्मा रोने लगा. It's not your age. ये तेरा उम्र नहीं है. It's Christ in you. ये मसीह जो आप में है. The anointing in you. जो अभिषेक आपके अंदर है. The seed of God in you. जो परमेश्वर का बीज आपके अंदर है. You know who is Jesus. आपको मालूम है यीशु कौन है. The first promise in Genesis 3:15. और उत्पत्ति के 3:15 में जो पहला वायदा है, फादर सेड, पिता ने कहा, He will crush your head, वो तेरे सर को कुचलेगा, He will crush the seed of your head, वो तेरे बीज को, बीज के सर के कुचलेगा, and He will crush, bruise your heel, और वो तेरे को कुचलेगा अपनी हील से, everybody say my Jesus, बोलो मेरा यीशु, ये वो है, Satan's head crusher, और शैतान का सर कुचलने वाला, बोलिए, बोलो मेरा यीशु, मेरा यीशु वो है, वो है जो शैतान का, जो शैतान का सर कुचलता है, सर कुचलता है, that Jesus, वो यीशु is living in my body, मेरे अंदरूनी शरीर में रह रहा है, say devil crusher, और बोलो शैतान को तोड़ने वाला is in me, वो मेरे अंदर है, devil crusher, शैतान को कुचलने वाला मेरे अंदर है, मेरा मिनिस्ट्री, मेरा सेवकाई, कास्टिंग आउट डीमन, दुष्ट आत्मा निकालना है, मेरा अनॉइंटिंग, मेरा अभिषेक, विल कास्ट आउट द डीमन, वो है दुष्ट आत्मा को निकालने वाला, माय कॉलिंग, मेरी बुलाहट, इज कास्टिंग आउट डीमन, वो है दुष्ट आत्मा निकालने वाला. Imagine if 1,500 people cast out demon. अगर कल्पना करें ये 1,500 लोग दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, एवरी डे, हर दिन, क्या होगा, क्या होगा. One more word, I finish. 13:32 Luke. लूका 13:32. उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा. Amen. When somebody said, किसी ने कहा है, Here I'd want to kill you. हेरोद तुझे मारना चाहता है. Jesus said. यीशु ने कहा. Go and tell the fox. उस लोमड़ी को कह दो. Today. आज ही कह दो. Tomorrow. कल भी. I will cast out. मैं दुष्ट आत्मा निकालूंगा. Heal the sick. यीशु ने करवा. Third day. तीसरे दिन. Bye bye to the world. और संसार को bye bye कर दूंगा. Meaning. मतलब. He was doing, casting out demon, destroying the works of the devil. Every day of his life. मतलब वो दुष्ट आत्मा को प्रतिदिन निकाल रहा था और शैतान के राज्य को रोज प्रतिदिन नाश करते हुए जा रहा था. How many of you really
desire this ministry. कितने लोग सच में इच्छा कर रहे हैं तीव्रता से कि मुझे ये सेवकाई चाहिए है. Please understand. कृपया करके समझें. If you read the 9 gifts of the Holy Spirit. अगर आप 9 वरदान को पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के. Demon casting is not one gift. और दुष्ट आत्मा को निकालना एक वरदान नहीं है. This is for every believer. ये सब विश्वासियों के लिए है. This is for every minister. वो हर एक सेवकों के लिए है. This is for everyone who preaches the gospel. और ये उनके लिए है जो हर व्यक्ति जो सुसमाचार सुनाता है. You don't need to get it from heaven. आपको ये स्वर्ग से लेने की जरूरत नहीं है. It's in your life already. ये आपके जीवन में पहले से ही है. When you received a calling. जब आपने बुलाहट को पाया. And the calling inside. और calling बुलाहट के अंदर. Authority over demons are given. और दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दे दिया गया था. You didn't see. आपने देखा नहीं. You didn't appreciate. आपने उसकी सराहाया नहीं. You didn't develop it. आपने उसको निर्माण नहीं किया. It's in you. वो आपके अंदर है. When the Holy Ghost came. जब पवित्र आत्मा आया. Demon destroying power came. और दुष्ट आत्मा को नाश करने की सामर्थ आई. When the Spirit came. जब आत्मा आया. डीमन डोमिनेटिंग अथॉरिटी के और दुष्ट आत्माओं को वश में करने के लिए वो अधिकार आया. डू यू बिलीव इट? क्या विश्वास कर रहे हैं? स्टैंड अप नाउ. खड़े हो जाइए. थैंक यू फादर. धन्यवाद पिता. एवरीबॉडी से थैंक यू फादर. सब बोलेंगे धन्यवाद पिता. थैंक यू फादर. धन्यवाद पिता. एवरीबॉडी से थैंक यू फादर. सब बोलेंगे धन्यवाद पिता. आई एम इन दिस वर्ल्ड. मैं इस संसार में हूँ. सेंट बाई यू. आपके द्वारा भेजा गया. सेंट बाई यू. आपके द्वारा भेजा गया. अनॉइंटेड बाई यू. अभिषिक्त आपके द्वारा हुआ. To set the captives free. ताकि बंदियों को छुटकारा दूं. To proclaim liberty. ताकि स्वतंत्रता का प्रचार करूं. To the oppressed. उन जिनके ऊपर सताए हुए हैं. Christ came in my life. मसीह मेरे जीवन में आ गया. To destroy. ताकि वो नाश करे. The works of the devil. शैतान के उन कामों का. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. The devil crusher. और शैतान को कुचलने वाला. He is living in my life. वो मेरे जीवन में रहता है. Thank you, Holy Ghost. धन्यवाद पवित्र आत्मा. आई एम नॉट फाइटिंग. मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ. फ्लैश एंड ब्लड. मांस और लहू से. माय रियल बैटल. मेरा असली युद्ध. इज विद अ स्पिरिचुअल एनिमी. वो है आत्मिक शत्रुओं से. स्पिरिचुअल एनिमी. आत्मिक शत्रुओं से. इट्स अ स्पिरिचुअल बैटल. ये आत्मिक युद्ध है. माय मिनिस्ट्री. मेरी सेवकाई. कैन इंक्रीज. वो बढ़ सकती है. कैन मल्टीप्लाई. गुणात्मक हो सकती है. व्हेन आई ओवरकम. जब मैं जय प्राप्त करूंगा. दोस एनिमी. उन शत्रुओं के ऊपर. माय बैटल. मेरा युद्ध. इज नॉट अ डिफेंसिव बैटल. वो कोई बचाव का युद्ध नहीं है. माय बैटल. मेरा युद्ध. इज एन ऑफेंसिव बैटल. वो हमला करने वाला युद्ध है. आई एम. मैं हूँ. मच मच स्ट्रॉन्गर. ज्यादा ज्यादा बलवंत. देन ऑल द पावर ऑफ द एनिमी. उन सारे शत्रुओं की सामर्थ से. आई हैव. मेरे पास है पावर. सामर्थ. ओवर. उसके ऊपर. ऑल द पावर ऑफ द एनिमी. शत्रु की सामर्थ के ऊपर मेरे पास ज्यादा सामर्थ है. द डेविल वॉज हाइडिंग दिस ट्रूथ. और ये शत्रु शैतान इस सत्य को छुपा रहा था. नाउ आई अंडरस्टैंड. अब मैं समझ गया हूँ. माय अनॉइंटेड. मेरा अभिषेक. वो है. To destroy. वो नाश करना. The works of the devil. शैतान के कामों का. In my life. मेरे जीवन में. In my family. मेरे परिवार के जीवन में. In my ministry. मेरी सेवकाई में. In my country. मेरे शहदाई देश में. In my country. मेरे देश में. I am. मैं. A devil destroyer. शैतान का नाश करने वाला हूँ. I am a devil destroyer. मैं शैतान का नाश करने वाला हूँ. Devil cannot destroy me. शैतान मेरा नाश नहीं कर सकता. Devil cannot destroy me. शैतान मेरा नाश नहीं कर सकता. Devil cannot destroy me. शैतान मेरा नाश नहीं कर सकता. I will destroy. मैं उसका नाश करूंगा. That's my calling. ये मेरी बुलाहट है. That's why I am in this world. तभी के लिए मैं इस संसार में हूँ. That's why I have a family. तभी के लिए मेरे पास परिवार है. That's my anointing. तभी के लिए मेरे पास अभिषेक है. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Holy Ghost. धन्यवाद पवित्र आत्मा. Continue to teach us. जारी रखिए हमें सिखाना. Open our eyes. हमारी आंखों को खोलिए. Open our eyes. हमारी आंखों को खोलिए. We want to know the truth. हमें सत्य को जानना है. The truth will set us free. और वो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा. Thank you. धन्यवाद. We will never be the same. अब हम पुराने जैसे नहीं रहेंगे. We will never be the same. हम पुराने जैसे नहीं रहेंगे. In Jesus name. यीशु के नाम से. आमेन. आमेन.